हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमके मूवी फैक्ट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे विस्ट मूवी के बारे में, जिस फिल्म को तमिल भाषा में बनाई गई है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में बने रहिएगा। फिल्म विस्ट मूवी से जुड़े कुछ ऐसे न्यू स्टोरियो के बारे में जानकारी देने वाले हैं, और दोस्तों साथ ही साथ आपको बता दें कि हमारे चैनल पे दोस्तों मात्रा मूवी रिव्यू, न्यू अपकमिंग मूवी की इन्फॉर्मेशन के साथ साथ मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानकारी दी जाती है। दोस्तों, आप न्यू अपकमिंग मूवी के बारे में जानना चाहते हैं तो दोस्तों हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों चलो इसके साथ वीडियो को लेकर आगे बढ़ते हैं। तब तक दोस्तों आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिल्म विस्ट 2022 की तमिल भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जो नेल्सन दिलीप कुमार द्वारा लिखित और निर्देशित है। और दोस्तों सन पिक्चर्स द्वारा निर्मित है। फिल्म में विजय के साथ पूजा हेगड़े अभिनेत्री दिखाई देने वाली है। सन पिक्चर्स ने जनवरी 2020 में विजय की 65वीं फिल्म के निर्माण अधिकार हासिल कर लिए थे। शुरुआत में इसे निर्देशक करने के लिए AR मुरुगुद्रास को साइन किया था। हालांकि अपने परिश्रमिक में कटौती करने से इनकार करने के बाद उन्होंने फिल्म से बाहर कर दिया था। बाद में दिसंबर 2020 में अस्थायी शीर्षक थलापति 65 के तहत घोषणा के साथ नेल्सन को बोर्ड पर लाया गया था, और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा जून 2021 में की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2021 में शुरू हुई और इसे चेन्नई, दिल्ली के फिल्मांकन स्थानों के साथ कई चरणों में छिटपुट रूप से शूट किया गया था। और फ्रेंड जर्ज गया और दिसंबर 2021 के माध्यम तक पूरी हो जाएगी। फिल्म में संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र ने दिया है, छायांकन मनोज परमहंस ने संभाला है, और दोस्तों संपादन R निर्मल ने किया है। फिल्म विस्ट को आलोचकों से मिली जुली समीक्षा के साथ 13 अप्रैल 2022 को सिनेमाघर में रिलीज किया गया था। इसके बावजूद फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही। दुनिया भर में 217 से लेकर 300 करोड़ की कमाई की और अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली तमिल फिल्मों में से एक बन गई है। अगले वर्ष एक सीक्वल की घोषणा की गई थी। डायरेक्टर नेल्सन की डायरेक्टर में बनी फिल्म वेस्ट जो दोस्तों यह तमिल भाषा की मूवी है, जिसे 13 अप्रैल 2022 को रिलीज किया गया था। दोस्तों बात की जाए फिल्म के सुपरस्टार अभिनेता विजय, जो कि दोस्तों वीरा राघव के रूप में एक पूर्व राफील्ड ऑपरेटिव के रूप में दिखाई दिए हैं, जबकि पूजा हेगड़े प्रीति के रूप में वीरा की प्रेमिका और रामचंद्र की पूर्व मंगेतर आवाज अंजना द्वारा डब की गई है। अल्ताफ हुसैन वीरा के पूर्व सहयोगी और उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में सल्ला राघन साजी चैन गृह मंत्री के रूप में हैं। डोमिनिक और इरुधरास के रूप में VTV गणेश वीरा और प्रीति केवास और सुरक्षा कंपनी डोमिनिक एंड सोल्जर्स के अध्यक्ष हैं। उमर कैफ के रूप में अंकुर विकल मल हाईचक समूह का नेता है और उमर फारूक का भाई है। वही दोस्तों आपको बता दें फिल्म की जनवरी 2020 में मास्टर 2021 के निर्माण के दौरान विजय ने कथित तौर पर कालानिधि मारन की सन पिक्चर्स द्वारा समर्थित अपनी अगली परियोजना के लिए हस्ताक्षर किए थे, जिसमें वेटाईकरण 2009, सुरा 2010 और सरकार 2018 के बाद उनके साथ सहयोग किया था। जबकि दोस्तों मगेज थिरुमेनी एस शंकर, सुधा कोंगरा, पंडिराज आर अजय ज्ञान मुथु और त्रिवेणी माकम को शुरू में फिल्म का निर्देशन करने की सूचना मिली थी।
मार्च में 2020 में एक सूत्र ने दावा किया था कि ए.आर. मुरुगुद्रास ने विजय को अस्थायी रूप से थलापति 65 की मुख्य अभिनेता के रूप में विजय की 65वीं फिल्म है शीर्षक से निर्देशित करने की योजना बनाई थी। इसी परियोजना के अप्रैल 2020 के अंत तक उत्पादन में प्रवेश करने की सूचना मिली थी जो नहीं हुआ। एस थमन को मई 2020 में संगीत तैयार करने के लिए अंतिम रूप दिया गया था जो विजय के साथ उनका पहला सहयोग होगा। अगस्त 2020 में तमन्ना को सूर्या के 10 साल बाद विजय के साथ काम करने के लिए मुख्य अभिनेत्री बनने के लिए संपर्क किया गया था। बताया गया कि स्क्रिप्ट में विजय दोहरी भूमिकाओं में थे। मुरुगुद्रास ने अगस्त 2020 की शुरुआत में विजय को अंतिम स्क्रिप्ट सुनाई और उनकी मंजूरी के बाद टीम ने अगस्त 2020 के माध्यम में बताया कि थलापति 65 जल्द ही उत्पादन में प्रवेश करेगा। गणेश चतुर्थी के अवसर पर एक आधिकारिक घोषणा के साथ 22 अगस्त 2020 को नहीं हुआ था। एक साक्षात्कार में मुरुगुद्रास ने कहा कि स्क्रिप्ट उनकी पिछली किसी भी फिल्म की अगली कड़ी नहीं थी बल्कि एक मूल कहानी थी। टीम ने स्टंट कोरियोग्राफर जोड़ी अनबरियो बोर्ड पर लाया गया जिसने विजय के साथ उनका पहला सहयोग चिन्हित किया है और पाठकथा लेखक आर सेल्लवराज भी अगस्त 2020 में इसी परियोजना में शामिल हुए थे। मनोज परमहंस को सिनेमेटोग्राफर के रूप में घोषित किया गया था और सितंबर 2020 में शुरुआत में कहा गया कि विजय को परियोजना के लिए परिश्रमिक के रूप में 100 करोड़ मिलेंगे लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण वित्तीय बदलाव के कारण उन्होंने अपने वेतन से 30% माफ करने का फैसला किया था। इसी प्रकार उन्होंने परिश्रमिक के रूप में 70 करोड़ मिले और मारन ने अपने पिछले निर्देशक दरबार 2020 की विफलता के बाद मुरुगुद्रास से अपना वेतन कम करने का आग्रह किया था लेकिन जैसे ही मुरुगुद्रास ने उनकी मांगों को अविस्कार कर दिया सन पिक्चर्स ने उन्होंने अक्टूबर 2020 में परियोजना से बाहर कर दिया था। निर्माताओं ने बाद में परियोजना को निर्देशित करने के लिए एसजे सूर्या नेल्सन दिलीप कुमार या मागिज थिरुमनी को बोर्ड पर लाने की योजना बनाई थी। मास्टर में विजय के साथ काम करने वाले संगीतकार अनिरुद्ध ने नेल्सन पर फिल्म का निर्देशक करने का आग्रह किया था। वहीं दोस्तों नेल्सन ने डायरेक्टर के पोस्ट प्रोडक्शन कार्यों के साथ साथ फिल्म की मसौदा तैयार किया जाना था और यह अवधि के दौरान उन्होंने एक परियोजना में के माध्यम से रूप से कुछ तस्वीरें साझा की। बताया गया कि विजय को एक तीव्र और विनोदी किरदार निभाना था जबकि फिल्म को स्थायी शीर्षक थलापति 65 के तहत लॉन्च किया गया था। फिल्म का शीर्षक विष्ट 21 जून 2021 को घोषित किया गया था। विजय के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर नवंबर 2021 में पत्रिका आनंद विक्टन द्वारा नवंबर में प्रकाशित एक दिवाली संस्करण में मुख्य साजिश का खुलासा हुआ था। एक शॉपिंग मॉल में एक आक्रमण हो रहा था जहां आतंकवादियों ने खरीदारों के एक समूह को बंधक बना लिया था और नायक उन्हें कैसे बचाता है। अधिकांश कार्यक्रम मॉल में होते हैं मुख्य रूप से एक्शन शैली में होने के बावजूद फिल्म में
ब्लैक कॉमेडी और समकालिक हास्य पात्रों के तत्व भी शामिल हैं, जो आमतौर पर निर्देशक की फिल्मों में देखे जाते हैं। नेल्सन ने फिल्म पर पोक्किरी 2007 के प्रभाव को स्वीकार करते हुए बिष्ट को 60% एक्शन और 40% हास्य के रूप में वर्णित किया था। मार्च 2021 में वीटीवी कनेस और कॉबिन को लंच इवेंट में उपस्थिति होने के बाद कलाकारों का हिस्सा घोषित कर दिया था। केविन ने कलाकारों का हिस्सा होने से इनकार किया, लेकिन 3 महीने बाद कहा कि वह एक सहायक निर्देशक के रूप में काम कर रहे थे। मलयालम अभिनेत्री अपर्णा दास ने अप्रैल में इस परियोजना में अपनी उपस्थिति की पुष्टि की और मई 2021 में मलयालम अभिनेता साइंटम चाको को तमिल में अपनी शुरुआत करते हुए फिल्म में एक प्रमुख भूमिका के लिए संपर्क किया गया था। फिल्म की फिल्माने थलापति 65 के लिए इसी प्रशिक्षण शूट 10 फरवरी 2021 को चेन्नई में सन टीवी नेटवर्क के कार्यालय में आयोजित किया गया था। 31 मार्च 2021 को फिल्म को सन टीवी स्टूडियोज में लॉन्च किया गया था एक औपचारिक पूजा समारोह के साथ। हालांकि पूजा हेगड़े ने अपने व्यस्त कार्यक्रम के दौरान लंच के समय उपस्थिति नहीं थे। 2021 में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद विजय और नेल्सन 7 अप्रैल 2021 को फिल्म की शूटिंग शेड्यूल के लिए जॉर्जिया गए थे। सन पिक्चर्स ने एक पोस्टर जारी किया 9 अप्रैल को शूटिंग स्थान यह खुलासा करते हुए कि फिल्म ने निर्माताओं में प्रवेश किया था। महामारी की दूसरी लहर के कारण प्रतिबंधताओं के कारण टीम ने फिल्म की 30% शूटिंग जॉर्जिया और बाकी की शूटिंग चेन्नई में की गई थी। जॉर्जिया में 15 दिनों तक फिल्मांकन करने के बाद विजय 26 अप्रैल को चेन्नई लौट आए थे, जहां दोस्तों एक परिचयात्मक गीत और कुछ एक्शन दृश्य की शूटिंग की गई थी। दूसरे शेड्यूल के लिए चेन्नई में ईवीपी फिल्म सिटी में एक विशाल शॉपिंग मॉल के दोहराया गया, क्योंकि दोस्तों तमिलनाडु में कोविड-19 महामारी प्रतिबंधताओं के कारण मॉल बंद थे। नेल्सन ने पहले शूटिंग के लिए दिल्ली में मॉल की तलाश की थी, लेकिन दोस्तों भीड़ नियंत्रण में आने वाली कठिनाइयों के कारण अंत उन्होंने ऐसा करना बंद कर दिया था। हालांकि दोस्तों विजय ने टीम से तमिलनाडु में कोविड-19 मामले की वृद्धि और राज्यव्यापी लॉकडाउन के कारण उत्पादन निलंबित करने के लिए कहा था। फिल्म के गाने की शूटिंग मई 2021 के माध्यम में उन्होंने होने वाली थी, लेकिन दोस्तों पूजा हेगड़े को कोविड-19 का पता चलने के बाद इसे भी रोक दिया था। फिल्म की फिल्मांकन जुलाई 2021 में फिर से शुरू हुआ। दूसरा शेड्यूल 20 दिनों तक चला था। स्टॉप कोस्टर रोड पर एक दृश्य फिल्माया गया था, जहां वाली माई की शूटिंग की जा रही थी और दोस्तों उस स्थान पर एक विशाल सेट का निर्माण किया गया था। रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया कि फिल्म की शूटिंग इंटर कार्टिनेटन चेन्नई और महाबलीपुरम रिचार्ज में आगे बढ़ी थी। प्रमुख दृश्य को फिल्माने के लिए टीम कोकुलम स्टूडियो चली गई। फिल्म का तीसरा शेड्यूल 2 अगस्त 2021 को चेन्नई में शुरू हुई और तीन सप्ताह से अधिक तक समय बिताया गया था।
पूरा शेड्यूल 23 अगस्त 2021 को पूरा हुआ था और चौथे के हिस्से के रूप में दिल्ली में कुछ दृश्य को शूट करने की योजना बनाने से पहले टीम ने 1 सितंबर 2021 को गोकुलम स्टूडियो में अवर्तित दृश्य की शूटिंग जारी रखी थी। अनुसूचित शेड्यूल के दौरान विजय और हेगड़े पर फिल्माया गया एक गीत अनुक्रम जिसे जानी मास्टर द्वारा कोरियोग्राफर किया गया था शूट किया गया था और चौथा शेड्यूल 20 सितंबर को दिल्ली में शुरू हुआ। इस शेड्यूल में अनव रियो द्वारा कोरियोग्राफर किया गया है। एक एक्शन सीक्वेंस 5 से 7 दिनों तक शूट किया गया था। अगला शेड्यूल 28 सितंबर के बाद चेन्नई में शुरू हुआ था। अक्टूबर के अंत तक कथित तौर पर 70% से अधिक की फिल्मांकन पूरा हो चुका था और फिल्म दिसंबर के अंत तक पूरा होने वाली थी। क्लाइमैक्स एक्शन दृश्य के लिए टीम ने फिल्म को रूस में शूट करने की योजना बनाई जिसे बाद में छोड़ दिया गया था। इसके बजाय टीम ने विजय के चरित्र के युवा संस्करण से जुड़े एक दृश्य को शूट करने के लिए अंतिम शेड्यूल के लिए फिर से जॉर्जिया जाने का फैसला किया था। रिपोर्टर्स के मुताबिक टीम इसी शेड्यूल में कश्मीर को रिक्रिएटर करेगी और सेना आधारित सीन शूट करेगी। मनोज परमहंस ने जॉर्जिया में शूटिंग के लिए एक नया टिल्टा मैक्स रिंग खरीदा था जिसमें रेड कोमोडो 6 के भी था और बाद में एक लाल भी रैप्टर कैमरा लाया गया था। बात की जाए दोस्तों फिल्म बेस्ट को तो यह फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता विजय सर और अभिनेत्री पूजा हेगड़े की जोड़ी को दर्शकों काफी पसंद कर रहे थे। यह एक भारतीय अभिनेता है जो दोस्तों तमिल भाषा की सुपरहिट फिल्मों में काम किए हैं जो दोस्तों इनकी विजय के नाम से जाना जाता है। 10 साल की उम्र में विजय ने 1984 में P.S. वीरप्पा द्वारा निर्मित तमिल फिल्म वेट्री में एक बार बाल कलाकार के रूप में अपनी शुरुआत की थी। विजय ने पहली बार 1992 में नलैया थिरुप्पु में मुख्य भूमिका निभाई और इसके बाद विजय की सेथूर पंडी रसिंगन देवा और कोयम्बंटूर मपिलाई फिल्मों में दिखाई दिए थे जिनमें से कुछ सफल रही। 1996 में विजय ने विक्रमन द्वारा निर्देशित पूर्वे और उन्नकांगा में अभिनय किया जिससे उनके अनुसार उन्होंने शुरुआती ब्रेक और लोकप्रियता मिली थी। 1997 में विजय ने कालमेलम कार्थी रूपेना और लव टुडे में अभिनय किया था। बाद में उन्होंने नेरुकु नेर कथालुकु मारी मारिया धाई और निन्ने थे बधई प्रियमुदन और थुल्लधा मन्नामुम मुल्लम जैसी व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में अभिनय किया है। 1999 में उन्होंने एट्रेंडम कद्दल और नेनिंजाइनल और मनिंसरा कन्ना फिल्मों में अभिनय किया है। 2020 में उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल रोमांटिक फिल्मों खुशी और प्रियामानम वाले के साथ समीक्षकों द्वारा सफल कन्नू कुकुल और नीलावू में अभिनय किया जो उनकी 25वीं फिल्म थी। 2001 में उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर
हैट्रिक सफल दावों वाली फिल्में थी दोस्तों। 2002 में प्रियंका चोपड़ा के साथ एक्शन फिल्म थमिजान में अभिनय करने से पहले बद्री और शाहजहां, बाद में वह उसी वर्ष रोमांटिक फिल्म युद्ध और एक्शन फिल्म बागवती में दिखाई दिए थे। विजय ने 2003 की शुरुआत वह शीघ्रा और पुद्या गीताई से की थी। 2003 में दोस्तों एक्शन रोमांस फिल्म थिरुमलाई के बाद विजय ने त्रिशा और प्रकाश राज के साथ एस धारानी द्वारा निर्देशित गिल्ली में अभिनय किया था। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही थी। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 500 मिलियन से अधिक की कमाई की थी। तमिल फिल्म बन गई और इसे रिलीज के पहले सप्ताह के भीतर सबसे अधिक लोगों द्वारा फिल्म देखने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था। दोस्तों बात की जाए, यह फिल्म पहले एमजी के पास था और रामचंद्र की आदिमाई पेन 1969 के इसके बाद 1969 के बाद उन्होंने 2005 में मुधेरे और थिरुपाची में अभिनय किया था। बाद में दोस्तों उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में सचिन, शिवकाशी और पोक्किरी में अभिनय किया। पोक्किरी उस समय की उनके कैरियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई थी। 2007 के अंत में विजय ने रोमांटिक थ्रिलर फिल्म अजग्या तमिल मगन में अभिनय किया था, जहां उन्होंने नायक और प्रतिपक्षी की दोहरी भूमिका निभाई। यह फिल्म भारत के बाहर व्यावसायिक रूप से सफल रही थी। व्यावसायिक रूप से सफल 2008 की कुरुवी और 2009 के वेटाईकरण को छोड़कर उनकी बाद की रिलीज अजग्या तमिल मगन और बिल्लू घरेलू बॉक्स ऑफिस पर औसत सफल रही थी, जबकि विदेशों में और अधिक सफल रही। हाल ही में रिलीज हुई फिल्मों की मध्यम सफलता के बावजूद विजय सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक बन गए हैं। 2010 में दोस्तों उन्होंने एक्शन कॉमेडी फिल्म सुर्रा में अभिनय किया था, जो एक अभिनेता के रूप में उनकी 50वीं फिल्म थी। और 2011 की शुरुआत में विजय ने सिद्दीकी द्वारा निर्देशित रोमांटिक कॉमेडी कौलन में अभिनय किया था, जिसे सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 102 करोड़ का कलेक्शन हुआ था। यह फिल्म चीन में शंघाई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रदर्शित की गई थी। कौलन चीन में व्यावसायिक रूप से सफल रही और उनकी अगली फिल्म एम राजा द्वारा निर्देशित एक्शन फिल्म वेलाई युद्धम थी, जो दिवाली के दौरान रिलीज हुई और 2011 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई है। दोस्तों बात की जाए सुपरस्टार अभिनेत्री पूजा हेगड़े। यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो दोस्तों फिल्म सुपरस्टार अभिनेता विजय सर के साथ में बनी फिल्म विस्ट मूवी में काम की है। यह अभिनेत्री मुख्य रूप से तेलुगु, हिंदी और तमिल भाषा की फिल्मों में दिखाई देती है। उन्होंने अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत एक से बढ़कर एक फिल्मों से की है और हेगड़े ने 2018 में पूजा हेगड़े ने 3 तेलुगु फिल्मों में अभिनय किया था। पहली पीरियड एक्शन रंगस्थलम के गीत और जिग्गेलु रानी में एक विशेष उपस्थिति है। विजय की 65वीं फिल्म के निर्माण अधिकार हासिल कर लिए थे। शुरुआत में इसे निर्देशक करने के लिए ए.आर. मुरुगुद्रास को साइन किया था। हालांकि अपने परिश्रमिक में कटौती करने से इनकार करने के बाद उन्होंने फिल्म से बाहर कर दिया था।
बाद में दिसंबर 2020 में अस्थायी शीर्षक थलापति 65 के तहत घोषणा के साथ नेल्सन को बोर्ड पर लाया गया था और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा जून 2021 में की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2021 में शुरू हुई और इसे चेन्नई, दिल्ली के फिल्मांकन स्थानों के साथ कई चरणों में छिटपुट रूप से शूट किया गया था। और फ्रेंड जॉर्जिया और दिसंबर 2021 के माध्यम तक पूरी हो जाएगी। फिल्म में संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र ने दिया है, छायांकन मनोज परमहंस ने संभाला है और दोस्तों संपादन आर निर्मल ने किया है। फिल्म विष्ट को आलोचकों को से मिली जुली समीक्षा के साथ 13 अप्रैल 2022 को सिनेमाघर में रिलीज किया गया था। इसके बावजूद फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, दुनिया भर में 217 से लेकर 300 करोड़ की कमाई की और अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली तमिल फिल्मों में से एक बन गई है। अगले वर्ष एक सीक्वल की घोषणा की गई थी। डायरेक्टर नेल्सन की डायरेक्टर में बनी फिल्म वेस्ट जो दोस्तों यह तमिल भाषा की मूवी है जिसे 13 अप्रैल 2022 को रिलीज किया गया था। दोस्तों बात की जाए फिल्म के सुपरस्टार अभिनेता विजय, जो कि दोस्तों वीरा राघव के रूप में एक पूर्व राफेल ऑपरेटर ऑपरेटिव के रूप में दिखाई दिए हैं, जबकि पूजा हेगड़े प्रीति के रूप में वीरा की प्रेमी प्रेमिका और रामचंद्र की पूर्व मंगेतर आवाज अंजना द्वारा डब की गई है। अल्ताफ हुसैन वीरा के पूर्व सहयोगी और उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में सल्ला राघन साजी चैन गृह मंत्री के रूप में हैं। डोमिनिक और इरुधरास के रूप में वीटीवी गणेश वीरा और प्रीति केवास और सुरक्षा कंपनी डोमिनिक एंड सोल्जर्स के अध्यक्ष हैं। उमर कैफ के रूप में अंकुर विकल मल हाईजैक का समूह का नेता है और उमर फारूक का भाई है। वही दोस्तों आपको बता दें फिल्म की जनवरी 2020 में मास्टर 2021 के निर्माण के दौरान विजय ने कथित तौर पर कलानिधि मारन की सोन पिक्चर्स द्वारा समर्थित अपनी अगली परियोजना के लिए हस्ताक्षर किए थे, जिसमें वेटाईकरण 2009, सुरा 2010 और सरकार 2018 के बाद उनके साथ सहयोग किया था। जबकि दोस्तों मगेश थिरुमेनी एस शंकर, सुधा कोंगरा, पंडिराज आर अजय ज्ञान मुथु और त्रिवेणी माकम को शुरू में फिल्म का निर्देशन करने की सूचना मिली थी। मार्च में 2020 में एक सूत्र ने दावा किया था कि एआर मुरुगुद्रास ने विजय को अस्थायी रूप से थलापति 65 की मुख्य अभिनेता के रूप में विजय की 65वीं फिल्म है शीर्षक से निर्देशित करने की योजना बनाई थी। इसी परियोजना के अप्रैल 2020 के अंत तक उत्पादन में प्रवेश करने की सूचना मिली थी, जो नहीं हुआ। एस थमन को मई 2020 में संगीत तैयार करने के लिए अंतिम रूप दिया गया था, जो विजय के साथ उनका पहला सहयोग होगा। अगस्त 2020 में तमन्ना को सूर्य के 10 साल बाद विजय के साथ काम करने के लिए मुख्य अभिनेत्री बनने के लिए संपर्क किया गया था। बताया गया कि स्क्रिप्ट में विजय दोहरी भूमिकाओं में थे। मुरुगुद्रास ने अगस्त 2020 की शुरुआत में विजय को अंतिम स्क्रिप्ट सुनाई और उनकी मंजूरी के बाद टीम ने अगस्त 2020 के माध्यम में बताया कि थलापति 65 जल्द ही उत्पादन में प्रवेश करेगा। गणेश चतुर्थी के अवसर पर एक आधिकारिक घोषणा के साथ 22 अगस्त 2020 को नहीं हुआ था।
एक साक्षात्कार में मुरुगुदरास ने कहा कि स्क्रिप्ट उनकी पिछली किसी भी फिल्म की अगली कड़ी नहीं थी, बल्कि एक मूल कहानी थी। टीम ने स्टंट कोरियोग्राफर जोडी अनबरियो बोर्ड पर लाया गया, जिसने विजय के साथ उनका पहला सहयोग चिह्नित किया है। और पाठक तथा लेखक आर सेल्वराज भी अगस्त 2020 में इसी परियोजना में शामिल हुए थे। मनोज परमहंस को सिनेमेटोग्राफर के रूप में घोषित किया गया था, और सितंबर 2020 में शुरुआत में कहा गया कि विजय को परियोजना के लिए परिश्रमिक के रूप में 100 करोड़ मिलेंगे। लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण, वित्तीय बदलाव के कारण, उन्होंने अपने वेतन से 30% माफ करने का फैसला किया था। इसी प्रकार उन्होंने परिश्रमिक के रूप में 70 करोड़ मिले। और मारन ने अपने पिछले निर्देशक दरबार 2020 की विफलता के बाद मुरुगुदरास से अपना वेतन कम करने का आग्रह किया था। लेकिन जैसे ही मुरुगुदरास ने उनकी मांगों को अस्वीकार कर दिया, सन पिक्चर्स ने उन्होंने अक्टूबर 2020 में परियोजना से बाहर कर दिया था। निर्माताओं ने बाद में परियोजना को निर्देशित करने के लिए एस जे सूर्या नेल्सन, दिलीप कुमार या मागेज थिरुमनी को बोर्ड पर लाने की योजना बनाई थी। मास्टर में विजय के साथ काम करने वाले संगीतकार अनिरुद्ध ने नेल्सन पर फिल्म का निर्देशक करने का आग्रह किया था। वहीं दोस्तों, नेल्सन ने डॉक्टर के पोस्ट प्रोडक्शन कार्यों के साथ साथ फिल्म की मसौदा तैयार किया जाना था, और यह अवधि के दौरान उन्होंने एक परियोजना में के माध्यम से रूप से कुछ तस्वीरें साझा की। बताया गया कि विजय को एक तीव्र और विनोदी किरदार निभाना था, जबकि फिल्म को स्थायी शीर्षक तलपति 65 के तहत लॉन्च किया गया था। फिल्म का शीर्षक विस्टा 21 जून 2021 को घोषित किया गया था। विजय के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर नवंबर 2021 में पत्रिका आनंद विक्टन द्वारा नवंबर में प्रकाशित एक दिवाली संस्करण में मुख्य साजिश का खुलासा हुआ था। एक शॉपिंग मॉल में एक आक्रमण हो रहा था, जहां आतंकवादियों ने खरीदारों के एक समूह को बंधक बना लिया था, और नायक उन्हें कैसे बचाता है। अधिकांश कार्यक्रम मॉल में होते हैं, मुख्य रूप से एक्शन शैली में होने के बावजूद फिल्म में ब्लैक कॉमेडी और समकालिक हास्य पात्रों के तत्व भी शामिल हैं, जो आमतौर पर निर्देशक की फिल्मों में देखे जाते हैं। नेल्सन ने फिल्म पर पोक्किरी 2007 के प्रभाव को स्वीकार करते हुए बिष्ट को 60% एक्शन और 40% हास्य के रूप में वर्णित किया था। मार्च 2021 में वीटीवी कनेस और कॉबिन को लंच इवेंट में उपस्थिति होने के बाद कलाकारों का हिस्सा घोषित कर दिया था। कैविन ने कलाकारों का हिस्सा होने से इनकार किया, लेकिन 3 महीने बाद कहा कि वह एक सहायक निर्देशक के रूप में काम कर रहे थे। मलयालम अभिनेत्री अपर्णा दास ने अप्रैल में इस परियोजना में अपनी उपस्थिति की पुष्टि की, और मई 2021 में मलयालम अभिनेता साइंटम चाको को तमिल में अपनी शुरुआत करते हुए फिल्म में एक प्रमुख भूमिका के लिए संपर्क किया गया था। फिल्म की फिल्माने थलापति 65 के लिए इसी प्रशिक्षण शूट 10 फरवरी 2021 को चेन्नई में
सन टीवी नेटवर्क के कार्यालय में आयोजित किया गया था। 31 मार्च 2021 को फिल्म को सन टीवी स्टूडियोज में लॉन्च किया गया था एक औपचारिक पूजा समारोह के साथ। हालांकि पूजा हेगड़े ने अपने व्यस्त कार्यक्रम के दौरान लंच के समय उपस्थित नहीं थे। 2021 में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद विजय और नेल्सन 7 अप्रैल 2021 को फिल्म की शूटिंग शेड्यूल के लिए जॉर्जिया गए थे। सन पिक्चर्स ने एक पोस्टर जारी किया 9 अप्रैल को शूटिंग स्थान यह खुलासा करते हुए कि फिल्म ने निर्माताओं में प्रवेश किया था। महामारी की दूसरी लहर के कारण प्रतिबंधताओं के कारण टीम ने फिल्म की 30% शूटिंग जॉर्जिया और बाकी की शूटिंग चेन्नई में की गई थी। जॉर्जिया में 15 दिनों तक फिल्मांकन करने के बाद विजय 26 अप्रैल को चेन्नई लौट आए थे, जहां दोस्तों एक परिचयात्मक गीत और कुछ एक्शन दृश्य की शूटिंग की गई थी। दूसरे शेड्यूल के लिए चेन्नई में ईवीपी फिल्म सिटी में एक विशाल शॉपिंग मॉल के दोहराया गया, क्योंकि दोस्तों तमिलनाडु में कोविड-19 महामारी प्रतिबंधताओं के कारण मॉल बंद थे। नेल्सन ने पहले शूटिंग के लिए दिल्ली में मॉल की तलाश की थी, लेकिन दोस्तों भीड़ नियंत्रण में आने वाली कठिनाइयों के कारण अंत उन्होंने ऐसा करना बंद कर दिया था। हालांकि दोस्तों विजय ने टीम से तमिलनाडु में कोविड-19 मामले की वृद्धि और राज्यव्यापी लॉकडाउन के कारण उत्पादन निलंबित करने के लिए कहा था। फिल्म के गाने की शूटिंग मई 2021 के माध्यम में उन्होंने होने वाली थी, लेकिन दोस्तों पूजा हेगड़े को कोविड-19 का पता चलने के बाद इसे भी रोक दिया था। फिल्म की फिल्मांकन जुलाई 2021 में फिर से शुरू हुआ। दूसरा शेड्यूल 20 दिनों तक चला था। स्टॉप कोस्टर रोड पर एक दृश्य फिल्माया गया था, जहां वाली माई की शूटिंग की जा रही थी और दोस्तों उस स्थान पर एक विशाल सेट का निर्माण किया गया था। रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया कि फिल्म की शूटिंग इंटर कार्टिनेटन चेन्नई और महाबलीपुरम रिचार्ज में आगे बढ़ी थी। प्रमुख दृश्य को फिल्माने के लिए टीम कोकुलम स्टूडियो चली गई। फिल्म का तीसरा शेड्यूल 2 अगस्त 2021 को चेन्नई में शुरू हुई और तीन सप्ताह से अधिक तक समय बिताया गया था। पूरा शेड्यूल 23 अगस्त 2021 को पूरा हुआ था और चौथे के हिस्से के रूप में दिल्ली में कुछ दृश्य को शूट करने की योजना बनाने से पहले टीम ने 1 सितंबर 2021 को गोकुलम स्टूडियो में अवर्ती दृश्य की शूटिंग जारी रखी थी। अनुसूचित शेड्यूल के दौरान विजय और हेगड़े पर फिल्माया गया एक गीत अनुक्रम, जिसे जानी मास्टर द्वारा कोरियोग्राफर किया गया था, शूट किया गया था। और चौथा शेड्यूल 20 सितंबर को दिल्ली में शुरू हुआ। इस शेड्यूल में अनव रेव द्वारा कोरियोग्राफर किया गया है। एक एक्शन सीक्वेंस 5 से 7 दिनों तक शूट किया गया था। अगला शेड्यूल 28 सितंबर के बाद चेन्नई में शुरू हुआ था। अक्टूबर के अंत तक कथित तौर पर 70% से अधिक की फिल्मांकन पूरा हो चुका था और फिल्म दिसंबर के अंत तक पूरा होने वाली थी। क्लाइमैक्स एक्शन दृश्य के लिए टीम ने फिल्म को रूस में शूट करने की योजना बनाई, जिसे बाद में छोड़ दिया गया था। इसके बजाय टीम ने विजय के चरित्र के युवा संस्करण से जुड़े
एक दृश्य को शूट करने के लिए अंतिम शेड्यूल के लिए फिर से जॉर्जिया जाने का फैसला किया था। रिपोर्टर्स के मुताबिक टीम इसी शेड्यूल में कश्मीर को रिक्रिएटर करेगी और सेना आधारित सीन शूट करेगी। मनोज परमहंस ने जॉर्जिया में शूटिंग के लिए एक नया टिल्टा मैक्स रिंग खरीदा था, जिसमें रेड कोमोडो 6 के भी था और बाद में एक लाल भी रैप्टर कैमरा लाया गया था। बात की जाए दोस्तों फिल्म बेस्ट को, तो यह फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता विजय सर और अभिनेत्री पूजा हेगड़े की जोड़ी को दर्शकों काफी पसंद कर रहे थे। यह एक भारतीय अभिनेता है जो दोस्तों तमिल भाषा की सुपरहिट फिल्मों में काम किए हैं, जो दोस्तों इनकी विजय के नाम से जाना जाता है। 10 साल की उम्र में विजय ने 1984 में PS वीरप्पा द्वारा निर्मित तमिल फिल्म वेट्री में एक बार बाल कलाकार के रूप में अपनी शुरुआत की थी। विजय ने पहली बार 1992 में नलैया थिरुकु में मुख्य भूमिका निभाई और इसके बाद विजय की सेथुर पंडी, रसिंगन देवा और कोयम्बटूर मप्पिलाई फिल्मों में दिखाई दिए थे, जिनमें से कुछ सफल रही। 1996 में विजय ने विक्रमन द्वारा निर्देशित पूर्वे और उन्नाकांगा में अभिनय किया, जिससे उनके अनुसार उन्होंने शुरुआती ब्रेक और लोकप्रियता मिली थी। 1997 में विजय ने कालमेलम, कार्थिरुपेना और लव टुडे में अभिनय किया था। बाद में उन्होंने नेरुकु, नेर कथालुकु, मारी मारिया धाई और निन्नेथे, बधई प्रियमुदन और थुल्लधम मन्नामुम मुल्लम जैसी व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में अभिनय किया है। 1999 में उन्होंने एट्रेंडम कद्दल और नेनिंजाइनल और मनिंसरा कन्ना फिल्मों में अभिनय किया है। 2020 में उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल रोमांटिक फिल्मों खुशी और प्रियामानम वाले के साथ समीक्षकों द्वारा सफल कन्नूकुक्कुल और नीलावु में अभिनय किया, जो उनकी 25वीं फिल्म थी। 2001 में उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर हैट्रिक सफल दावों वाली फिल्में दी दोस्तों। 2002 में प्रियंका चोपड़ा के साथ एक्शन फिल्म थमिजान में अभिनय करने से पहले बद्री और शाहजहां, बाद में वह उसी वर्ष रोमांटिक फिल्म युद्ध और एक्शन फिल्म भगवती में दिखाई दिए थे। विजय ने 2003 की शुरुआत वह शीघ्र और पुद्या गीता इसे की थी। 2003 में दोस्तों एक्शन रोमांस फिल्म थिरुमलाई के बाद विजय ने त्रिशा और प्रकाश राज के साथ एस धारानी द्वारा निर्देशित गिल्ली में अभिनय किया था। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही थी। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 500 मिलियन से अधिक की कमाई की थी। तमिल फिल्म बन गई और इसे रिलीज के पहले सप्ताह के भीतर सबसे अधिक लोगों द्वारा फिल्म देखने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था। दोस्तों बात की जाए यह फिल्म पहले MG के पास था और रामचंद्र की आदिमाई पेन 1969 की
इसके बाद उन्नीस सौ उनहत्तर के बाद उन्होंने 2005 में मुधेरे और थिरुपाची में अभिनय किया था। बाद में दोस्तों उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में सचिन, शिवकाशी और पोक्किरी में अभिनय किया। पोक्किरी उस समय की उनके कैरियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई थी। 2007 के अंत में विजय ने रोमांटिक थ्रिलर फिल्म अजग्या तमिल मगन में अभिनय किया था, जहां उन्होंने नायक और प्रतिपक्षी की दोहरी भूमिका निभाई। यह फिल्म भारत के बाहर व्यावसायिक रूप से सफल रही थी। व्यावसायिक रूप से सफल 2008 की कुरुवी और 2009 के वेटाइकरण को छोड़कर उनकी बाद की रिलीज अजग्या तमिल मगन और विल्लू घरेलू बॉक्स ऑफिस पर औसत सफल रही थी, जबकि विदेशों में और अधिक सफल रही। हाल ही में रिलीज हुई फिल्मों की मध्यम सफलता के बावजूद विजय सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक बन गए हैं। 2010 में दोस्तों उन्होंने एक्शन कॉमेडी फिल्म शोर्रा में अभिनय किया था, जो एक कम अभिनेता के रूप में उनकी 50वीं फिल्म थी। और 2011 की शुरुआत में विजय ने सिद्दीकी द्वारा निर्देशित रोमांटिक कॉमेडी कॉलन में अभिनय किया था, जिसे सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 1 से 2 करोड़ का कलेक्शन हुआ था। यह फिल्म चीन में शंघाई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रदर्शित की गई थी। कॉलन चीन में व्यावसायिक रूप से सफल रही और उनकी अगली फिल्म एम राजा द्वारा निर्देशित एक्शन फिल्म वेलाई युद्धम थी, जो दिवाली के दौरान रिलीज हुई और 2011 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई है। दोस्तों बात की जाए सुपरस्टार अभिनेत्री पूजा हेगड़े, यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो दोस्तों फिल्म सुपरस्टार अभिनेता विजय सर के साथ में बनी फिल्म विस्ट मूवी में काम की है। यह अभिनेत्री मुख्य रूप से तेलुगु, हिंदी और तमिल भाषा की फिल्मों में दिखाई देती है। उन्होंने अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत एक से बढ़कर एक फिल्मों से की है और हेगड़े ने 2018 में पूजा हेगड़े ने 3 तेलुगु फिल्मों में अभिनय किया था। पहली पीरियड एक्शन रंगस्थलम के गीत और जिग्गेलू रानी में एक विशेष उपस्थिति है। आप न्यू अपकमिंग मूवी के बारे में जानना चाहते हैं तो दोस्तों हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों चलो इसी के साथ वीडियो को लेकर आगे बढ़ते हैं। तब तक दोस्तों आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिल्म विस्ट 2022 की तमिल भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जो नेल्सन दिलीप कुमार द्वारा लिखित और निर्देशित है और दोस्तों सन पिक्चर्स द्वारा निर्मित है। फिल्म में विजय के साथ पूजा हेगड़े अभिनेत्री दिखाई देने वाली है। सन पिक्चर्स ने जनवरी 2020 में विजय की 65वीं फिल्म के निर्माण अधिकार हासिल कर लिए थे। शुरुआत में इसे निर्देशक करने के लिए AR मुरुगुद्रास को साइन किया था। हालांकि अपने परिश्रमिक में कटौती करने से इनकार करने के बाद उन्होंने फिल्म से बाहर कर दिया था। बाद में दिसंबर 2020 में अस्थायी शीर्षक थलापति 65 के तहत घोषणा के साथ नेल्सन को बोर्ड पर लाया गया था और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा जून 2021 में की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2021 में शुरू हुई और इसे चेन्नई, दिल्ली के फिल्मांकन स्थानों के साथ कई चरणों में छिटपुट रूप से शूट किया गया था। और फ्रेंड जॉर्जिया और दिसंबर 2021 के माध्यम तक पूरी हो जाएगी। फिल्म में संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र ने दिया है, छायांकन मनोज परमहंस ने संभाला है और दोस्तों संपादन आर
निर्माण ने किया है। फिल्म विष्ट को आलोचकों से मिली जुली समीक्षा के साथ 13 अप्रैल 2022 को सिनेमाघर में रिलीज किया गया था। इसके बावजूद फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, दुनिया भर में 217 से लेकर 300 करोड़ की कमाई की और अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली तमिल फिल्मों में से एक बन गई है। अगले वर्ष एक सीक्वल की घोषणा की गई थी। डायरेक्टर नेल्सन की डायरेक्टर में बनी फिल्म वेस्ट जो दोस्तों यह तमिल भाषा की मूवी है जिसे 13 अप्रैल 2022 को रिलीज किया गया था। दोस्तों बात की जाए फिल्म के सुपरस्टार अभिनेता विजय, जो कि दोस्तों वीरा राघव के रूप में एक पूर्व राफील्ड ऑपरेटिव के रूप में दिखाई दिए हैं, जबकि पूजा हेगड़े प्रीति के रूप में वीरा की प्रेमिका और रामचंद्र की पूर्व मंगेतर आवाज अंजना द्वारा डब की गई है। अल्ताफ हुसैन वीरा के पूर्व सहयोगी और उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में सल्ला राघन साजी चैन गृह मंत्री के रूप में हैं। डोमिनिक और इरुधरास के रूप में वीटीवी गणेश वीरा और प्रीति केवास और सुरक्षा कंपनी डोमिनिक एंड सोल्जर्स के अध्यक्ष हैं। उमर कैफ के रूप में अंकुर विकल मल हाईचक का समूह का नेता है और उमर फारूक का भाई है। वही दोस्तों आपको बता दें फिल्म की जनवरी 2020 में मास्टर 2021 के निर्माण के दौरान विजय ने कथित तौर पर कलानिधि मारन की सन पिक्चर्स द्वारा समर्थित अपनी अगली परियोजना के लिए हस्ताक्षर किए थे, जिसमें वेटाईकरण 2009, सुरा 2010 और सरकार 2018 के बाद उनके साथ सहयोग किया था। जबकि दोस्तों मगेश थिरुमेनी एस शंकर, सुधा कोंगरा, पंडित राज आर अजय ज्ञान मुथु और त्रिवेणी माकम को शुरू में फिल्म का निर्देशन करने की सूचना मिली थी। मार्च में 2020 में एक सूत्र ने दावा किया था कि एआर मुरुगुद्रास ने विजय को अस्थायी रूप से थलापति 65 की मुख्य अभिनेता के रूप में विजय की 65वीं फिल्म है शीर्षक से निर्देशित करने की योजना बनाई थी। इसी परियोजना के अप्रैल 2020 के अंत तक उत्पादन में प्रवेश करने की सूचना मिली थी, जो नहीं हुआ। एस थमन को मई 2020 में संगीत तैयार करने के लिए अंतिम रूप दिया गया था, जो विजय के साथ उनका पहला सहयोग होगा। अगस्त 2020 में तमन्ना को सूर्य के 10 साल बाद विजय के साथ काम करने के लिए मुख्य अभिनेत्री बनने के लिए संपर्क किया गया था। बताया गया कि स्क्रिप्ट में विजय दोहरी भूमिकाओं में थे। मुरुगुद्रास ने अगस्त 2020 की शुरुआत में विजय को अंतिम स्क्रिप्ट सुनाई और उनकी मंजूरी के बाद टीम ने अगस्त 2020 के माध्यम में बताया कि थलापति 65 जल्द ही उत्पादन में प्रवेश करेगा। गणेश चतुर्थी के अवसर पर एक आधिकारिक घोषणा के साथ 22 अगस्त 2020 को नहीं हुआ था। एक साक्षात्कार में मुरुगुद्रास ने कहा कि स्क्रिप्ट उनकी पिछली किसी भी फिल्म की अगली कड़ी नहीं थी, बल्कि एक मूल कहानी थी। टीम ने स्टंट कोरियोग्राफर जोड़ी अनबरियो बोर्ड पर लाया गया, जिसने विजय के साथ उनका पहला सहयोग चिन्हित किया है। और पाठकथा लेखक आर सेल्लवराज भी अगस्त 2020 में इसी परियोजना में शामिल हुए थे। मनोज परमहंस को सिनेमेटोग्राफर के रूप में घोषित किया गया था और सितंबर 2020 में शुरुआत में कहा गया कि विजय को परियोजना के लिए परिश्रमिक के रूप पर
रूप में 100 करोड़ मिलेंगे। लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण वित्तीय बदलाव के कारण उन्होंने अपने वेतन से 30% माफ करने का फैसला किया था। इसी प्रकार उन्होंने परिश्रमिक के रूप में 70 करोड़ मिले और मारन ने अपने पिछले निर्देशक दरबार 2020 की विफलता के बाद मुरुगुद्रास से अपना वेतन कम करने का आग्रह किया था। लेकिन जैसे ही मुरुगुद्रास ने उनकी मांगों को अविष्कार कर दिया, सन पिक्चर्स ने उन्होंने अक्टूबर 2020 में परियोजना से बाहर कर दिया था। निर्माताओं ने बाद में परियोजना को निर्देशित करने के लिए एस जे सूर्या नेल्सन, दिलीप कुमार या मागेज थिरुमनी को बोर्ड पर लाने की योजना बनाई थी। मास्टर में विजय के साथ काम करने वाले संगीतकार अनिरुद्ध ने नेल्सन पर फिल्म का निर्देशक करने का आग्रह किया था। वहीं दोस्तों, नेल्सन ने डॉक्टर के पोस्ट प्रोडक्शन कार्यों के साथ साथ फिल्म की मैं सौदा तैयार किया जाना था और यह अवधि के दौरान उन्होंने एक परियोजना में के माध्यम से रूप से कुछ तस्वीरें साझा की। बताया गया कि विजय को एक तीव्र और विनोदी किरदार निभाना था, जबकि फिल्म को स्थायी शीर्षक तलपति 65 के तहत लॉन्च किया गया था। फिल्म का शीर्षक विस्ट 21 जून 2021 को घोषित किया गया था। विजय के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर नवंबर 2021 में पत्रिका आनंद विक्टन द्वारा नवंबर में प्रकाशित एक दिवाली संस्करण में मुख्य साजिश का खुलासा हुआ था। एक शॉपिंग मॉल में एक आक्रमण हो रहा था, जहां आतंकवादियों ने खरीदारों के एक समूह को बंधक बना लिया था और नायक उन्हें कैसे बचाता है। अधिकांश कार्यक्रम मॉल में होते हैं, मुख्य रूप से एक्शन शैली में होने के बावजूद फिल्म में ब्लैक कॉमेडी और समकालिक हास्य पात्रों के तत्व भी शामिल हैं, जो आमतौर पर निर्देशक की फिल्मों में देखे जाते हैं। नेल्सन ने फिल्म पर पोक्किरी 2007 के प्रभाव को स्वीकार करते हुए बिस्ट को 60% एक्शन और 40% हास्य के रूप में वर्णित किया था। मार्च 2021 में वीटीवी कनेस और कॉबिन को लंच इवेंट में उपस्थिति होने के बाद कलाकारों का हिस्सा घोषित कर दिया था। केविन ने कलाकारों का हिस्सा होने से इनकार किया, लेकिन 3 महीने बाद कहा कि वह एक सहायक निर्देशक के रूप में काम कर रहे थे। मलयालम अभिनेत्री अपर्णा दास ने अप्रैल में इस परियोजना में अपनी उपस्थिति की पुष्टि की और मई 2021 में मलयालम अभिनेता साइंटम चाको को तमिल में अपनी शुरुआत करते हुए फिल्म में एक प्रमुख भूमिका के लिए संपर्क किया गया था। फिल्म की फिल्माने थलापति 65 के लिए इसी प्रशिक्षण शूट 10 फरवरी 2021 को चेन्नई में सन टीवी नेटवर्क के कार्यालय में आयोजित किया गया था। 31 मार्च 2021 को फिल्म को सन टीवी स्टूडियोज में लॉन्च किया गया था एक औपचारिक पूजा समारोह के साथ। हालांकि पूजा हेगड़े ने अपने व्यस्त कार्यक्रम के दौरान लंच के समय उपस्थित नहीं थे। 2021 में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद विजय और नेल्सन 7 अप्रैल 2021 को फिल्म की शूटिंग शेड्यूल के लिए जॉर्जिया गए थे। सन पिक्चर्स ने एक पोस्टर जारी किया 9 अप्रैल को शूटिंग स्थान यह खुलासा करते हुए कि फिल्म ने निर्माताओं में
प्रवेश किया था। महामारी की दूसरी लहर के कारण प्रतिबंधताओं के कारण टीम ने फिल्म की 30% शूटिंग जॉर्जिया और बाकी की शूटिंग चेन्नई में की गई थी। जॉर्जिया में 15 दिनों तक फिल्मांकन करने के बाद विजय 26 अप्रैल को चेन्नई लौट आए थे, जहां दोस्तों एक परिचयात्मक गीत और कुछ एक्शन दृश्य की शूटिंग की गई थी। दूसरे शेड्यूल के लिए चेन्नई में ईवीपी फिल्म सिटी में एक विशाल शॉपिंग मॉल के दोहराया गया, क्योंकि दोस्तों तमिलनाडु में कोविड-19 महामारी प्रतिबंधताओं के कारण मॉल बंद थे। नेल्सन ने पहले शूटिंग के लिए दिल्ली में मॉल की तलाश की थी, लेकिन दोस्तों भीड़ नियंत्रण में आने वाली कठिनाइयों के कारण अंत उन्होंने ऐसा करना बंद कर दिया था। हालांकि दोस्तों विजय ने टीम से तमिलनाडु में कोविड-19 मामले की वृद्धि और राज्यव्यापी लॉकडाउन के कारण उत्पादन निलंबित करने के लिए कहा था। फिल्म के गाने की शूटिंग मई 2021 के माध्यम में उन्होंने होने वाली थी, लेकिन दोस्तों पूजा हेगड़े को कोविड-19 का पता चलने के बाद इसे भी रोक दिया था। फिल्म की फिल्मांकन जुलाई 2021 में फिर से शुरू हुआ। दूसरा शेड्यूल 20 दिनों तक चला था। स्टॉप कोस्टर रोड पर एक दृश्य फिल्माया गया था, जहां वाली माई की शूटिंग की जा रही थी, और दोस्तों उस स्थान पर एक विशाल सेट का निर्माण किया गया था। रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया कि फिल्म की शूटिंग इंटर कार्टिनेटन चेन्नई और महाबलीपुरम रिचार्ज में आगे बढ़ी थी। प्रमुख दृश्य को फिल्माने के लिए टीम कोकुलम स्टूडियो चली गई। फिल्म का तीसरा शेड्यूल 2 अगस्त 2021 को चेन्नई में शुरू हुई और तीन सप्ताह से अधिक तक समय बिताया गया था। पूरा शेड्यूल 23 अगस्त 2021 को पूरा हुआ था और चौथे के हिस्से के रूप में दिल्ली में कुछ दृश्य को शूट करने की योजना बनाने से पहले टीम ने 1 सितंबर 2021 को गोकुलम स्टूडियो में अवर्तित दृश्य की शूटिंग जारी रखी थी। अनुसूचित शेड्यूल के दौरान विजय और हेगड़े पर फिल्माया गया एक गीत अनुक्रम, जिसे जानी मास्टर द्वारा कोरियोग्राफर किया गया था, शूट किया गया था। और चौथा शेड्यूल 20 सितंबर को दिल्ली में शुरू हुआ। इस शेड्यूल में अनव रेव द्वारा कोरियोग्राफर किया गया है। एक एक्शन सीक्वेंस 5 से 7 दिनों तक शूट किया गया था। अगला शेड्यूल 28 सितंबर के बाद चेन्नई में शुरू हुआ था। अक्टूबर के अंत तक कथित तौर पर 70% से अधिक की फिल्मांकन पूरा हो चुका था और फिल्म दिसंबर के अंत तक पूरा होने वाली थी। क्लाइमैक्स एक्शन दृश्य के लिए टीम ने फिल्म को रूस में शूट करने की योजना बनाई, जिसे बाद में छोड़ दिया गया था। इसके बजाय टीम ने विजय के चरित्र के युवा संस्करण से जुड़े एक दृश्य को शूट करने के लिए अंतिम शेड्यूल के लिए फिर से जॉर्जिया जाने का फैसला किया था। रिपोर्टर्स के मुताबिक टीम इसी शेड्यूल में कश्मीर को रिक्रिएटर करेगी और सेना आधारित सीन शूट करेगी। मनोज परमहंस ने जॉर्जिया में शूटिंग के लिए एक नया टिल्टा मैक्स रिंग खरीदा था, जिसमें रेड कोमोडो 6 के भी था और बाद में एक लाल भी रैप्टर कैमरा लाया गया था।
बात की जाए दोस्तों फिल्म बिष्ट को, तो यह फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता विजय सर और अभिनेत्री पूजा हेगड़े की जोड़ी को दर्शकों काफी पसंद कर रहे थे। यह एक भारतीय अभिनेता है जो दोस्तों तमिल भाषा की सुपरहिट फिल्मों में काम किए हैं, जो दोस्तों इनकी विजय के नाम से जाना जाता है। 10 साल की उम्र में विजय ने 1984 में PS वीरप्पा द्वारा निर्मित तमिल फिल्म वेट्री में एक बार बाल कलाकार के रूप में अपनी शुरुआत की थी। विजय ने पहली बार 1992 में नलैया थिरुप्पु में मुख्य भूमिका निभाई और इसके बाद विजय की सेथुर पंडी, रसिंगन देवा और कोयम्बटूर मप्पिलाई फिल्मों में दिखाई दिए थे, जिनमें से कुछ सफल रही। 1996 में विजय ने विक्रमन द्वारा निर्देशित पूर्वे और उन्नाकांगा में अभिनय किया, जिससे उनके अनुसार उन्होंने शुरुआती ब्रेक और लोकप्रियता मिली थी। 1997 में विजय ने कालमेलम, कार्थिरुपेना और लव टुडे में अभिनय किया था। बाद में उन्होंने नेरुक्कु, नेर कथालुक्कु, मारिया धाई और निन्नेथे, बधई प्रियमुद्दन और थुल्लधाम मन्नामुम मुल्लम जैसी व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में अभिनय किया है। 1999 में उन्होंने एट्रेंडम कद्दल और नेनिनजाइनल और मनिनसरा कन्ना फिल्मों में अभिनय किया है। 2020 में उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल रोमांटिक फिल्मों खुशी और प्रियामानम वाले के साथ समीक्षकों द्वारा सफल कन्नूकुक्कुल और नीलावु में अभिनय किया, जो उनकी 25वीं फिल्म थी। 2001 में उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर हैट्रिक सफल दावों वाली फिल्में दी दोस्तों। 2002 में प्रियंका चोपड़ा के साथ एक्शन फिल्म थमिजान में अभिनय करने से पहले बद्री और शाहजहां, बाद में वह उसी वर्ष रोमांटिक फिल्म युद्ध और एक्शन फिल्म बागवती में दिखाई दिए थे। विजय ने 2003 की शुरुआत वसीगरा और पुद्या गीताई से की थी। 2003 में दोस्तों एक्शन रोमांस फिल्म थिरुमलाई के बाद विजय ने त्रिशा और प्रकाश राज के साथ एस धारानी द्वारा निर्देशित गिल्ली में अभिनय किया था। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही थी। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 500 मिलियन से अधिक की कमाई की थी। तमिल फिल्म बन गई और इसे रिलीज के पहले सप्ताह के भीतर सबसे अधिक लोगों द्वारा फिल्म देखने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था। दोस्तों बात की जाए यह फिल्म पहले MG के पास था और रामचंद्र की आदिमाई पेन 1969 के इसके बाद उन्हें 1969 के बाद उन्होंने 2005 में मुधेरे और थिरुपाची में अभिनय किया था। बाद में दोस्तों उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में सचिन, शिवकाशी और पोक्किरी में अभिनय किया। पोक्किरी उस समय की उनके कैरियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई थी। 2007 के अंत में विजय ने रोमांटिक थ्रिलर फिल्म अजग्या तमिल मगन में अभिनय किया था, जहां उन्होंने नायक और प्रतिपक्षी की दोहरी भूमिका निभाई। यह फिल्म भारत के बाहर व्यावसायिक रूप से सफल रही थी। व्यावसायिक रूप से सफल 2008 की कुरुवी
और 2009 के वेटाईकरण को छोड़कर उनकी बाद की रिलीज अजगियातामिल मग्गन और विल्लू घरेलू बॉक्स ऑफिस पर औसत सफल रही थी, जबकि विदेशों में और अधिक सफल रही। हाल ही में रिलीज हुई फिल्मों की मध्यम सफलता के बावजूद विजय सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक बन गए हैं। 2010 में दोस्तों उन्होंने एक्शन कॉमेडी फिल्म सुर्रा में अभिनय किया था, जो एक कम अभिनेता के रूप में उनकी 50वीं फिल्म थी। और 2011 की शुरुआत में विजय ने सिद्दीकी द्वारा निर्देशित रोमांटिक कॉमेडी कौलन में अभिनय किया था, जिसे सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 102 करोड़ का कलेक्शन हुआ था। यह फिल्म चीन में शंघाई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रदर्शित की गई थी। कौलन चीन में व्यावसायिक रूप से सफल रही और उनकी अगली फिल्म एम राजा द्वारा निर्देशित एक्शन फिल्म वेलाई युद्धम थी, जो दिवाली के दौरान रिलीज हुई और 2011 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई है। दोस्तों बात की जाए सुपरस्टार अभिनेत्री पूजा हेगड़े, यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो दोस्तों फिल्म सुपरस्टार अभिनेता विजय सर के साथ में बनी फिल्म विस्ट मूवी में काम की है। यह अभिनेत्री मुख्य रूप से तेलुगु, हिंदी और तमिल भाषा की फिल्मों में दिखाई देती है। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत एक से बढ़कर एक फिल्मों से की है और हेगड़े ने 2018 में पूजा हेगड़े ने 3 तेलुगु फिल्मों में अभिनय किया था। पहली पीरियड एक्शन रंगस्थलम के गीत और जिग्गेलु रानी में एक विशेष उपस्थिति है। के बारे में जानकारी देने वाले हैं और दोस्तों साथ ही साथ आपको बता दें कि हमारे चैनल पे दोस्तों मात्रा मूवी रिव्यू, न्यू अपकमिंग मूवी की इंफॉर्मेशन के साथ साथ मूवी की बजटेड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानकारी दी जाती है। दोस्तों आप न्यू अपकमिंग मूवी के बारे में जानना चाहते हैं तो दोस्तों हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों चलो इसी के साथ वीडियो को लेकर आगे बढ़ते हैं। तब तक दोस्तों आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिल्म विस्ट 2022 की तमिल भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जो नेल्सन दिलीप कुमार द्वारा लिखित और निर्देशित है और दोस्तों सन पिक्चर्स द्वारा निर्मित है। फिल्म में विजय के साथ पूजा हेगड़े अभिनेत्री दिखाई देने वाली है। सन पिक्चर्स ने जनवरी 2020 में विजय की 65वीं फिल्म के निर्माण अधिकार हासिल कर लिए थे। शुरुआत में इसे निर्देशक करने के लिए AR मुरुगुद्रास को साइन किया था। हालांकि अपने परिश्रमिक में कटौती करने से इनकार करने के बाद उन्होंने फिल्म से बाहर कर दिया था। बाद में दिसंबर 2020 में अस्थायी शीर्षक थलपति 65 के तहत घोषणा के साथ नेल्सन को बोर्ड पर लाया गया था और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा जून 2021 में की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2021 में शुरू हुई और इसे चेन्नई, दिल्ली के फिल्मांकन स्थानों के साथ कई चरणों में छिटपुट रूप से शूट किया गया था। और फ्रेंड जर्ज गया और दिसंबर 2021 के माध्यम तक पूरी हो जाएगी। फिल्म में संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र ने दिया है, छायांकन मनोज परमहंस ने संभाला है और दोस्तों संपादन R निर्मल ने किया है। फिल्म विष्ट को आलोचकों से मिली जुली समीक्षा के साथ 13 अप्रैल 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। इसके बावजूद फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, दुनिया भर में 217 से लेकर 300 करोड़ की कमाई की और अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली तमिल फिल्मों में से एक बन गई है। अगले वर्ष एक सीक्वल की घोषणा की गई थी। डायरेक्टर नेल्सन की डायरेक्टर में बनी फिल्म वेस्ट, जो दोस्तों यह
यह तमिल भाषा की मूवी है जिसे 13 अप्रैल 2022 को रिलीज किया गया था। दोस्तों बात की जाए फिल्म के सुपरस्टार अभिनेता विजय, जो कि दोस्तों वीरा राघव के रूप में एक पूर्व राफेल ऑपरेटर ऑपरेटिव के रूप में दिखाई दिए हैं, जबकि पूजा हेगड़े प्रीति के रूप में वीरा की प्रेमी प्रेमिका और रामचंद्र की पूर्व मंगेतर आवाज अंजना द्वारा डब की गई है। अल्ताफ हुसैन वीरा के पूर्व सहयोगी और उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में सेल्वाराघवन साजिथ्रेन गृह मंत्री के रूप में हैं। डोमिनिक और इरुधरास के रूप में वीटीवी गणेश वीरा और प्रीति के वास और सुरक्षा कंपनी डोमिनिक एंड सोल्जर्स के अध्यक्ष हैं। उमर कैफ के रूप में अंकुर विकल मल हाईजैक समूह का नेता है और उमर फारूक का भाई है। वही दोस्तों आपको बता दें फिल्म की जनवरी 2020 में मास्टर 2021 के निर्माण के दौरान विजय ने कथित तौर पर कलानिधि मारन की सन पिक्चर्स द्वारा समर्थित अपनी अगली परियोजना के लिए हस्ताक्षर किए थे, जिसमें वेटाईकरण 2009, सुरा 2010 और सरकार 2018 के बाद उनके साथ सहयोग किया था। जबकि दोस्तों मगेश थिरुमेनी एस शंकर, सुधा कोंगड़ा, पंडिराज आर अजय ज्ञान मुथु और त्रिवेणी माकम को शुरू में फिल्म का निर्देशन करने की सूचना मिली थी। मार्च में 2020 में एक सूत्र ने दावा किया था कि ए आर मुरुगुद्रास ने विजय को अस्थायी रूप से थलापति 65 की मुख्य अभिनेता के रूप में विजय की 65वीं फिल्म है शीर्षक से निर्देशित करने की योजना बनाई थी। इसी परियोजना के अप्रैल 2020 के अंत तक उत्पादन में प्रवेश करने की सूचना मिली थी, जो नहीं हुआ। एस थमन को मई 2020 में संगीत तैयार करने के लिए अंतिम रूप दिया गया था, जो विजय के साथ उनका पहला सहयोग होगा। अगस्त 2020 में तमन्ना को सूर्या के 10 साल बाद विजय के साथ काम करने के लिए मुख्य अभिनेत्री बनने के लिए संपर्क किया गया था। बताया गया कि स्क्रिप्ट में विजय दोहरी भूमिकाओं में थे। मुरुगुद्रास ने अगस्त 2020 की शुरुआत में विजय को अंतिम स्क्रिप्ट सुनाई और उनकी मंजूरी के बाद टीम ने अगस्त 2020 के माध्यम में बताया कि थलापति 65 जल्द ही उत्पादन में प्रवेश करेगा। गणेश चतुर्थी के अवसर पर एक आधिकारिक घोषणा के साथ 22 अगस्त 2020 को नहीं हुआ था। एक साक्षात्कार में मुरुगुद्रास ने कहा कि स्क्रिप्ट उनकी पिछली किसी भी फिल्म की अगली कड़ी नहीं थी, बल्कि एक मूल कहानी थी। टीम ने स्टंट कोरियोग्राफर जोड़ी अनबरियो बोर्ड पर लाया गया, जिसने विजय के साथ उनका पहला सहयोग चिहित किया है, और पटकथा लेखक आर सेल्लव राज भी अगस्त 2020 में इसी परियोजना में शामिल हुए थे। मनोज परमहंस को सिनेमेटोग्राफर के रूप में घोषित किया गया था और सितंबर 2020 में शुरुआत में कहा गया कि विजय को परियोजना के लिए परिश्रमिक के रूप में 100 करोड़ मिलेंगे, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण वित्तीय बदलाव के कारण उन्होंने अपने वेतन से 30% माफ करने का फैसला किया था। इसी प्रकार उन्होंने परिश्रमिक के रूप में 70 करोड़ मिले और मारन ने अपने पिछले निर्देशक दरबार 2020 की विफलता के बाद मुरुगुद्रास से अपना वेतन कम करने का आग्रह किया था, लेकिन जैसे ही मुरुगुद्रास ने उनकी मांगों को अस्वीकार
कर दिया सन पिक्चर्स ने उन्होंने अक्टूबर 2020 में परियोजना से बाहर कर दिया था। निर्माताओं ने बाद में परियोजना को निर्देशित करने के लिए एस जे सूर्य नेल्सन, दिलीप कुमार या मागेज थिरुमणि को बोर्ड पर लाने की योजना बनाई थी। मास्टर में विजय के साथ काम करने वाले संगीतकार अनिरुद्ध ने नेल्सन पर फिल्म का निर्देशक करने का आग्रह किया था। वहीं दोस्तों, नेल्सन ने डॉक्टर के पोस्ट प्रोडक्शन कार्यों के साथ साथ फिल्म की मसौदा तैयार किया जाना था और यह अवधि के दौरान उन्होंने एक परियोजना में के माध्यम से रूप से कुछ तस्वीरें साझा की। बताया गया कि विजय को एक तीव्र और विनोदी किरदार निभाना था, जबकि फिल्म को स्थायी शीर्षक तलपति 65 के तहत लॉन्च किया गया था। फिल्म का शीर्षक विस्ट 21 जून 2021 को घोषित किया गया था। विजय के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर नवंबर 2021 में पत्रिका आनंद विक्टन द्वारा नवंबर में प्रकाशित एक दिवाली संस्करण में मुख्य साजिश का खुलासा हुआ था। एक शॉपिंग मॉल में एक आक्रमण हो रहा था जहां आतंकवादियों ने खरीदारों के एक समूह को बंधक बना लिया था और नायक उन्हें कैसे बचाता है। अधिकांश कार्यक्रम मॉल में होते हैं, मुख्य रूप से एक्शन शैली में होने के बावजूद फिल्म में ब्लैक कॉमेडी और समकालिक हास्य पात्रों के तत्व भी शामिल हैं, जो आमतौर पर निर्देशक की फिल्मों में देखे जाते हैं। नेल्सन ने फिल्म पर पोक्किरी 2007 के प्रभाव को स्वीकार करते हुए बिस्ट को 60% एक्शन और 40% हास्य के रूप में वर्णित किया था। मार्च 2021 में वीटीवी कनेस और कॉबिन को लंच इवेंट में उपस्थिति होने के बाद कलाकारों का हिस्सा घोषित कर दिया था। केविन ने कलाकारों का हिस्सा होने से इनकार किया, लेकिन 3 महीने बाद कहा कि वह एक सहायक निर्देशक के रूप में काम कर रहे थे। मलयालम अभिनेत्री अपर्णा दास ने अप्रैल में इस परियोजना में अपनी उपस्थिति की पुष्टि की और मई 2021 में मलयालम अभिनेता साइन टॉम चाको को तमिल में अपनी शुरुआत करते हुए फिल्म में एक प्रमुख भूमिका के लिए संपर्क किया गया था। फिल्म की फिल्माने थलापति 65 के लिए इसी प्रशिक्षण शूट 10 फरवरी 2021 को चेन्नई में सन टीवी नेटवर्क के कार्यालय में आयोजित किया गया था। 31 मार्च 2021 को फिल्म को सन टीवी स्टूडियोज में लॉन्च किया गया था एक औपचारिक पूजा समारोह के साथ। हालांकि पूजा हेगड़े ने अपने व्यस्त कार्यक्रम के दौरान लंच के समय उपस्थिति नहीं थे। 2021 में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद विजय और नेल्सन 7 अप्रैल 2021 को फिल्म की शूटिंग शेड्यूल के लिए जॉर्जिया गए थे। सन पिक्चर्स ने एक पोस्टर जारी किया 9 अप्रैल को शूटिंग स्थान यह खुलासा करते हुए कि फिल्म ने निर्माताओं में प्रवेश किया था। महामारी की दूसरी लहर के कारण प्रतिबंधताओं के कारण टीम ने फिल्म की 30% शूटिंग जॉर्जिया और बाकी की शूटिंग चेन्नई में की गई थी। जॉर्जिया में 15 दिनों तक फिल्मांकन करने के बाद विजय 26 अप्रैल को चेन्नई लौट आए थे, जहां दोस्तों एक परिचयात्मक गीत और कुछ एक्शन दृश्य की शूटिंग की गई थी।
दूसरे शेड्यूल के लिए चेन्नई में ईवीपी फिल्म सिटी में एक विशाल शॉपिंग मॉल के दौरा दोहराया गया, क्योंकि दोस्तों तमिलनाडु में कोविड-19 महामारी प्रतिबंधताओं के कारण मॉल बंद थे। नेल्सन ने पहले शूटिंग के लिए दिल्ली में मॉल की तलाश की थी, लेकिन दोस्तों भीड़ नियंत्रण में आने वाली कठिनाइयों के कारण अंत उन्होंने ऐसा करना बंद कर दिया था। हालांकि दोस्तों विजय ने टीम से तमिलनाडु में कोविड-19 मामले की वृद्धि और राज्यव्यापी लॉकडाउन के कारण उत्पादन निलंबित करने के लिए कहा था। फिल्म के गाने की शूटिंग मई 2021 में 21 के माध्यम में उन्होंने होने वाली थी, लेकिन दोस्तों पूजा हेगड़े को COD यानी कोविड-19 का पता चलने के बाद इसे भी रोक दिया था। फिल्म की फिल्मांकन जुलाई 2021 में फिर से शुरू हुआ। दूसरा शेड्यूल 20 दिनों तक चला था। स्टॉप कोस्टर रोड पर एक दृश्य फिल्माया गया था जहां वाली माई की शूटिंग की जा रही थी, और दोस्तों उस स्थान पर एक विशाल सेट का निर्माण किया गया था। रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया कि फिल्म की शूटिंग इंटर कार्टिनेटन चेन्नई और महाबलीपुरम रिचार्ज में आगे बढ़ी थी। प्रमुख दृश्य को फिल्माने के लिए टीम कोकुलम स्टूडियो चली गई। फिल्म का तीसरा शेड्यूल 2 अगस्त 2021 को चेन्नई में शुरू हुई और 3 सप्ताह से अधिक तक समय बिताया गया था। पूरा शेड्यूल 23 अगस्त 2021 को पूरा हुआ था और चौथे के हिस्से के रूप में दिल्ली में कुछ दृश्य को शूट करने की योजना बनाने से पहले टीम ने 1 सितंबर 2021 को गोकुलम स्टूडियो में अवर्ती दृश्य की शूटिंग जारी रखी थी। अनुसूचित शेड्यूल के दौरान विजय और हेगड़े पर फिल्माया गया एक गीत अनुक्रम जिसे जानी मास्टर द्वारा कोरियोग्राफर किया गया था शूट किया गया था। और चौथा शेड्यूल 20 सितंबर को दिल्ली में शुरू हुआ। इस शेड्यूल में अनव रेव द्वारा कोरियोग्राफर किया गया है। एक के एक्शन सीक्वेंस 5 से 7 दिनों तक शूट किया गया था। अगला शेड्यूल 28 सितंबर के बाद चेन्नई में शुरू हुआ था। अक्टूबर के अंत तक कथित तौर पर 70% से अधिक की फिल्मांकन पूरा हो चुका था और फिल्म दिसंबर के अंत तक पूरा होने वाली थी। क्लाइमैक्स एक्शन दृश्य के लिए टीम ने फिल्म को रूस में शूट करने की योजना बनाई जिसे बाद में छोड़ दिया गया था। इसके बजाय टीम ने विजय के चरित्र के युवा संस्करण से जुड़े एक दृश्य को शूट करने के लिए अंतिम शेड्यूल के लिए फिर से जॉर्जिया जाने का फैसला किया था। रिपोर्टर्स के मुताबिक टीम इसी शेड्यूल में कश्मीर को रिक्रिएटर करेगी और सेना आधारित सीन शूट करेगी। मनोज परमहंस ने जॉर्जिया में शूटिंग के लिए एक नया टिल्टा मैक्स रिंग खरीदा था जिसमें रेड कोमोडो 6 के भी था और बाद में एक लाल भी रैप्टर कैमरा लाया गया था। बात की जाए दोस्तों फिल्म बिस्ट को, तो यह फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता विजय सर और अभिनेत्री पूजा हेगड़े की जोड़ी को दर्शकों काफी पसंद कर रहे थे। यह एक भारतीय अभिनेता है जो दोस्तों तमिल भाषा की सुपरहिट फिल्मों में काम किए हैं, जो दोस्तों इनकी विजय के नाम से जाना जाता है। 10 साल की उम्र में विजय ने 1984 में PS वीरप्पा
द्वारा निर्मित तमिल फिल्म वेट्री में एक बार बाल कलाकार के रूप में अपने शुरुआत की थी। विजय ने पहली बार 1992 में नलैया थिरुप्पु में मुख्य भूमिका निभाई और इसके बाद विजय की सेथुर पंडी रसिंगन देवा और कोयम्बटूर मपिलाई फिल्मों में दिखाई दिए थे, जिनमें से कुछ सफल रही। 1996 में विजय ने विक्रमन द्वारा निर्देशित पूर्वे और उन्नकांगा में अभिनय किया, जिससे उनके अनुसार उन्होंने शुरुआती ब्रेक और लोकप्रियता मिली थी। 1997 में विजय ने काल मेलम कार्थी रूपेना और लव टुडे में अभिनय किया था। बाद में उन्होंने नेरुकु नेर कथालुकु मारिया धाई और निन्नेथे बधई प्रियमुदन और थुल्लधम मन्नामुम मुल्लम जैसी व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में अभिनय किया है। 1999 में उन्होंने एट्रेंडम कद्दल और नेनिंजाइनल और मनिंसरा कन्ना फिल्मों में अभिनय किया है। 2020 में उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल रोमांटिक फिल्मों खुशी और प्रियामानम वाले के साथ समीक्षकों द्वारा सफल कन्नूकुक्कुल और नीलावू में अभिनय किया, जो उनकी 25वीं फिल्म थी। 2001 में उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर हैट्रिक सफलताओं वाली फिल्में दी दोस्तों। 2002 में प्रियंका चोपड़ा के साथ एक्शन फिल्म थमिजान में अभिनय करने से पहले बद्री और शाहजहां। बाद में वह उसी वर्ष रोमांटिक फिल्म युद्ध और एक्शन फिल्म भगवती में दिखाई दिए थे। विजय ने 2003 की शुरुआत वसीगरा और पुद्या गीताई से की थी। 2003 में दोस्तों एक्शन रोमांस फिल्म थिरुमलाई के बाद विजय ने त्रिशा और प्रकाश राज के साथ एस धारानी द्वारा निर्देशित गिल्ली में अभिनय किया था। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही थी। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 500 मिलियन से अधिक की कमाई की थी। तमिल फिल्म बन गई और इसे रिलीज के पहले सप्ताह के भीतर सबसे अधिक लोगों द्वारा फिल्म देखने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था। दोस्तों बात की जाए, यह फिल्म पहले एमजी के पास था और रामचंद्र की आदिमाई पेन 1969 के इसके बाद 1969 के बाद उन्होंने 2005 में मुधेरे और थिरुपाची में अभिनय किया था। बाद में दोस्तों उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में सचिन शिवकाशी और पोक्किरी में अभिनय किया। पोक्किरी उस समय की उनके कैरियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई थी। 2007 के अंत में विजय ने रोमांटिक थ्रिलर फिल्म अजग्या तमिल मगन में अभिनय किया था, जहां उन्होंने नायक और प्रतिपक्षी की दोहरी भूमिका निभाई। यह फिल्म भारत के बाहर व्यावसायिक रूप से सफल रही थी। व्यावसायिक रूप से सफल 2008 की कुरुवी और 2009 के वेटाईकरण को छोड़कर उनकी बाद की रिलीज अजग्या तमिल मगन और बिल्लू घरेलू बॉक्स ऑफिस पर औसत सफल रही थी, जबकि विदेशों में और अधिक सफल रही। हाल ही में रिलीज हुई फिल्मों की मध्यम सफलता के बावजूद विजय सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक बन गए हैं।
2010 में दोस्तों उन्होंने एक्शन कॉमेडी फिल्म शोर्रा में अभिनय किया था, जो एक कम अभिनेता के रूप में उनकी 50वीं फिल्म थी। और 2011 की शुरुआत में विजय ने सिद्दीकी द्वारा निर्देशित रोमांटिक कॉमेडी कॉलन में अभिनय किया था, जिसे सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 1 से 2 करोड़ का कलेक्शन हुआ था। यह फिल्म चीन में शंघाई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रदर्शित की गई थी। कॉलन चीन में व्यावसायिक रूप से सफल रही और उनकी अगली फिल्म एम राजा द्वारा निर्देशित एक्शन फिल्म वेलाई युद्धम थी, जो दिवाली के दौरान रिलीज हुई और 2011 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई है। दोस्तों बात की जाए सुपरस्टार अभिनेत्री पूजा हेगड़े, यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो दोस्तों फिल्म सुपरस्टार अभिनेता विजय सर के साथ में बनी फिल्म विष्ट मूवी में काम की है। यह अभिनेत्री मुख्य रूप से तेलुगु, हिंदी और तमिल भाषा की फिल्मों में दिखाई देती है। उन्होंने अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत एक से बढ़कर एक फिल्मों से की है और हेगड़े ने 2018 में पूजा हेगड़े ने 3 तेलुगु फिल्मों में अभिनय किया था। पहली पीरियड एक्शन रंगस्थलम के गीत और जिग्गेलू रानी में एक विशेष उपस्थिति है। फॉर्मेशन के साथ साथ मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानकारी दी जाती है। दोस्तों आप न्यू अपकमिंग मूवी के बारे में जानना चाहते हैं तो दोस्तों हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों चलो इसी के साथ वीडियो को लेकर आगे बढ़ते हैं। तब तक दोस्तों आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिल्म विस्ट 2022 की तमिल भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जो नेल्सन दिलीप कुमार द्वारा लिखित और निर्देशित है और दोस्तों सन पिक्चर्स द्वारा निर्मित है। फिल्म में विजय के साथ पूजा हेगड़े अभिनेत्री दिखाई देने वाली है। सन पिक्चर्स ने जनवरी 2020 में विजय की 65वीं फिल्म के निर्माण अधिकार हासिल कर लिए थे। शुरुआत में इसे निर्देशक करने के लिए ए आर मुरुगुद्रास को साइन किया था। हालांकि अपने परिश्रमिक में कटौती करने से इनकार करने के बाद उन्होंने फिल्म से बाहर कर दिया था। बाद में दिसंबर 2020 में अस्थायी शीर्षक थलापति 65 के तहत घोषणा के साथ नेल्सन को बोर्ड पर लाया गया था और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा जून 2021 में की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2021 में शुरू हुई और इसे चेन्नई, दिल्ली के फिल्मांकन स्थानों के साथ कई चरणों में छिटपुट रूप से शूट किया गया था। और फ्रेंड जर्ज गया और दिसंबर 2021 के माध्यम तक पूरी हो जाएगी। फिल्म में संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र ने दिया है, छायांकन मनोज परमहंस ने संभाला है और दोस्तों संपादन आर निर्मल ने किया है। फिल्म विष्ट को आलोचकों से मिली जुली समीक्षा के साथ 13 अप्रैल 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। इसके बावजूद फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, दुनिया भर में 217 से लेकर 300 करोड़ की कमाई की और अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली तमिल फिल्मों में से एक बन गई है। अगले वर्ष एक सीक्वल की घोषणा की गई थी। डायरेक्टर नेल्सन की डायरेक्टर में बनी फिल्म वेस्ट, जो दोस्तों यह तमिल भाषा की मूवी है, जिसे 13 अप्रैल 2022 को रिलीज किया गया था। दोस्तों बात की जाए फिल्म के सुपरस्टार अभिनेता विजय, जो कि दोस्तों वीरा राघव के रूप में एक पूर्व राफील्ड ऑपरेटिव के रूप में दिखाई दिए हैं, जबकि पूजा हेगड़े प्रीति के रूप में वीरा की प्रेमिका और रामचंद्र की पूर्व मंगेतर आवाज अंजना द्वारा डब की गई है। अल्ताफ हुसैन वीरा के पूर्व सहयोगी और उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में सेल्ला राघवन साजी
गृह मंत्री के रूप में हैं। डोमिनिक और इरुधरास के रूप में वीटीवी गणेश वीरा और प्रीति के वास और सुरक्षा कंपनी डोमिनिक एंड सोल्जर्स के अध्यक्ष हैं। उमर कैफ के रूप में अंकुर विकल मल हाइचक का समूह का नेता है और उमर फारूक का भाई है। वही दोस्तों आपको बता दें फिल्म की जनवरी 2020 में मास्टर 2021 के निर्माण के दौरान विजय ने कथित तौर पर कलानिधि मारन की सन पिक्चर्स द्वारा समर्थित अपनी अगली परियोजना के लिए हस्ताक्षर किए थे, जिसमें वेटाईकरण 2009, सुरा 2010 और सरकार 2018 के बाद उनके साथ सहयोग किया था। जबकि दोस्तों मग्गेज थिरुमेनी, एस शंकर, सुधा कोंगरा, पंडिराज आर, अजय ज्ञान मुथु और त्रिवेणी माकम को शुरू में फिल्म का निर्देशन करने की सूचना मिली थी। मार्च में 2020 में एक सूत्र ने दावा किया था कि एआर मुरुगुद्रास ने विजय को अस्थायी रूप से थलापति 65 की मुख्य अभिनेता के रूप में विजय की 65वीं फिल्म है शीर्षक से निर्देशित करने की योजना बनाई थी। इसी परियोजना के अप्रैल 2020 के अंत तक उत्पादन में प्रवेश करने की सूचना मिली थी, जो नहीं हुआ। एस थमन को मई 2020 में संगीत तैयार करने के लिए अंतिम रूप दिया गया था, जो विजय के साथ उनका पहला सहयोग होगा। अगस्त 2020 में तमन्ना को सूर्या के 10 साल बाद विजय के साथ काम करने के लिए मुख्य अभिनेत्री बनने के लिए संपर्क किया गया था। बताया गया कि स्क्रिप्ट में विजय दोहरी भूमिकाओं में थे। मुरुगुद्रास ने अगस्त 2020 की शुरुआत में विजय को अंतिम स्क्रिप्ट सुनाई और उनकी मंजूरी के बाद टीम ने अगस्त 2020 के माध्यम में बताया कि थलापति 65 जल्द ही उत्पादन में प्रवेश करेगा। गणेश चतुर्थी के अवसर पर एक आधिकारिक घोषणा के साथ 22 अगस्त 2020 को नहीं हुआ था। एक साक्षात्कार में मुरुगुद्रास ने कहा कि स्क्रिप्ट उनकी पिछली किसी भी फिल्म की अगली कड़ी नहीं थी, बल्कि एक मूल कहानी थी। टीम ने स्टंट कोरियोग्राफर जोड़ी अनबरियो बोर्ड पर लाया गया, जिसने विजय के साथ उनका पहला सहयोग चिन्हित किया है। और पाठकथा लेखक आर सेल्लवराज भी अगस्त 2020 में इसी परियोजना में शामिल हुए थे। मनोज परमहंस को सिनेमेटोग्राफर के रूप में घोषित किया गया था और सितंबर 2020 में शुरुआत में कहा गया कि विजय को परियोजना के लिए परिश्रमिक के रूप में 100 करोड़ मिलेंगे, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण वित्तीय बदलाव के कारण उन्होंने अपने वेतन से 30% माफ करने का फैसला किया था। इसी प्रकार उन्होंने परिश्रमिक के रूप में 70 करोड़ मिले और मारन ने अपने पिछले निर्देशक दरबार 2020 की विफलता के बाद मुरुगुद्रास से अपना वेतन कम करने का आग्रह किया था, लेकिन जैसे ही मुरुगुद्रास ने उनकी मांगों को अविष्कार कर दिया, सन पिक्चर्स ने उन्होंने अक्टूबर 2020 में परियोजना से बाहर कर दिया था। निर्माताओं ने बाद में परियोजना को निर्देशित करने के लिए एस जे सूर्या, नेल्सन दिलीप कुमार या मग्गेज थिरुमनी को बोर्ड पर लाने की योजना बनाई थी। मास्टर में विजय के साथ काम करने वाले संगीतकार अनिरुद्ध ने नेल्सन पर फिल्म का निर्देशक करने का आग्रह किया था। वहीं दोस्तों नेल्सन ने डॉक्टर के पोस्ट प्रोडक्शन कार्यों के साथ साथ फिल्म की
मैं सौदाम तैयार किया जाना था, और यह अवधि के दौरान उन्होंने एक परियोजना में के माध्यम से रूप से कुछ तस्वीरें साझा की। बताया गया कि विजय को एक तीव्र और विनोदी किरदार निभाना था, जबकि फिल्म को स्थायी शीर्षक तलपति 65 के तहत लॉन्च किया गया था। फिल्म का शीर्षक विस्टा 21 जून 2021 को घोषित किया गया था। विजय के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर नवंबर 2021 में पत्रिका आनंद विक्टन द्वारा नवंबर में प्रकाशित एक दिवाली संस्करण में मुख्य साजिश का खुलासा हुआ था। एक शॉपिंग मॉल में एक आक्रमण हो रहा था, जहां आतंकवादियों ने खरीदारों के एक समूह को बंधक बना लिया था, और नायक उन्हें कैसे बचाता है। अधिकांश कार्यक्रम मॉल में होते हैं। मुख्य रूप से एक्शन शैली में होने के बावजूद फिल्म में ब्लैक कॉमेडी और समकालिक हास्य पात्रों के तत्व भी शामिल हैं, जो आमतौर पर निर्देशक की फिल्मों में देखे जाते हैं। नेल्सन ने फिल्म पर पोक्किरी 2007 के प्रभाव को स्वीकार करते हुए बिष्ट को 60% एक्शन और 40% हास्य के रूप में वर्णित किया था। मार्च 2021 में वीटीवी गणेश और कॉबिन को लंच इवेंट में उपस्थिति होने के बाद कलाकारों का हिस्सा घोषित कर दिया था। कैविन ने कलाकारों का हिस्सा होने से इनकार किया, लेकिन 3 महीने बाद कहा कि वह एक सहायक निर्देशक के रूप में काम कर रहे थे। मलयालम अभिनेत्री अपर्णा दास ने अप्रैल में इस परियोजना में अपनी उपस्थिति की पुष्टि की, और मई 2021 में मलयालम अभिनेता साइंटम चाक्को को तमिल में अपनी शुरुआत करते हुए फिल्म में एक प्रमुख भूमिका के लिए संपर्क किया गया था। फिल्म की फिल्माने थलापति 65 के लिए इसी प्रशिक्षण शूट 10 फरवरी 2021 को चेन्नई में सन टीवी नेटवर्क के कार्यालय में आयोजित किया गया था। 31 मार्च 2021 को फिल्म को सन टीवी स्टूडियोज में लॉन्च किया गया था, एक औपचारिक पूजा समारोह के साथ। हालांकि पूजा हेगड़े ने अपने व्यस्त कार्यक्रम के दौरान लंच के समय उपस्थिति नहीं थे। 2021 में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद विजय और नेल्सन 7 अप्रैल 2021 को फिल्म की शूटिंग शेड्यूल के लिए जॉर्जिया गए थे। सन पिक्चर्स ने एक पोस्टर जारी किया 9 अप्रैल को शूटिंग स्थान यह खुलासा करते हुए कि फिल्म ने निर्माताओं में प्रवेश किया था। महामारी की दूसरी लहर के कारण प्रतिबंधताओं के कारण टीम ने फिल्म की 30% शूटिंग जॉर्जिया और बाकी की शूटिंग चेन्नई में की गई थी। जॉर्जिया में 15 दिनों तक फिल्मांकन करने के बाद विजय 26 अप्रैल को चेन्नई लौट आए थे, जहां दोस्तों एक चित्रात्मक गीत और कुछ एक्शन दृश्य की शूटिंग की गई थी। दूसरे शेड्यूल के लिए चेन्नई में ईवीपी फिल्म सिटी में एक विशाल शॉपिंग मॉल के द्वारा दोहराया गया, क्योंकि दोस्तों तमिलनाडु में कोविड-19 महामारी प्रतिबंधताओं के कारण मॉल बंद थे। नेल्सन ने पहले शूटिंग के लिए दिल्ली में मॉल की तलाश की थी, लेकिन दोस्तों भीड़ नियंत्रण में आने वाली कठिनाइयों के कारण अंत उन्होंने ऐसा करना बंद कर दिया था। हालांकि दोस्तों विजय ने टीम से तमिलनाडु में कोविड-19 मामले की बिद्री और
राज्यव्यापी लॉकडाउन के कारण उत्पादन निलंबित करने के लिए कहा था। फिल्म के गाने की शूटिंग मई 2021 में 21 के माध्यम में उन्होंने होने वाली थी, लेकिन दोस्तों पूजा हेगड़े को COD यानी COVID-19 का पता चलने के बाद इसे भी रोक दिया था। फिल्म की फिल्मांकन जुलाई 2021 में फिर से शुरू हुआ। दूसरा शेड्यूल 20 दिनों तक चला था। स्टॉप कोस्टर रोड पर एक दृश्य फिल्माया गया था जहां वाली माई की शूटिंग की जा रही थी, और दोस्तों उस स्थान पर एक विशाल सेट का निर्माण किया गया था। रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया कि फिल्म की शूटिंग इंटर कार्टिनेटन चेन्नई और महाबलीपुरम रिचार्ज में आगे बढ़ी थी। प्रमुख दृश्य को फिल्माने के लिए टीम गोकुलम स्टूडियो चली गई। फिल्म का तीसरा शेड्यूल 2 अगस्त 2021 को चेन्नई में शुरू हुई और तीन सप्ताह से अधिक तक समय बिताया गया था। पूरा शेड्यूल 23 अगस्त 2021 को पूरा हुआ था और चौथे के हिस्से के रूप में दिल्ली में कुछ दृश्य को शूट करने की योजना बनाने से पहले टीम ने 1 सितंबर 2021 को गोकुलम स्टूडियो में अवर्ती दृश्य की शूटिंग जारी रखी थी। अनुसूचित शेड्यूल के दौरान विजय और हेगड़े पर फिल्माया गया एक गीत अनुक्रम, जिसे जानी मास्टर द्वारा कोरियोग्राफर किया गया था, शूट किया गया था। और चौथा शेड्यूल 20 सितंबर को दिल्ली में शुरू हुआ। इस शेड्यूल में अनव रेव द्वारा कोरियोग्राफर किया गया है। एक के एक्शन सीक्वेंस 5 से 7 दिनों तक शूट किया गया था। अगला शेड्यूल 28 सितंबर के बाद चेन्नई में शुरू हुआ था। अक्टूबर के अंत तक कथित तौर पर 70% से अधिक की फिल्मांकन पूरा हो चुका था और फिल्म दिसंबर के अंत तक पूरा होने वाली थी। क्लाइमैक्स एक्शन दृश्य के लिए टीम ने फिल्म को रूस में शूट करने की योजना बनाई, जिसे बाद में छोड़ दिया गया था। इसके बजाय टीम ने विजय के चरित्र के युवा संस्करण से जुड़े एक दृश्य को शूट करने के लिए अंतिम शेड्यूल के लिए फिर से जॉर्जिया जाने का फैसला किया था। रिपोर्टर्स के मुताबिक टीम इसी शेड्यूल में कश्मीर को रिक्रिएट करेगी और सेना आधारित सीन शूट करेगी। मनोज परमहंस ने जॉर्जिया में शूटिंग के लिए एक नया टिल्टा मैक्स रिंग खरीदा था, जिसमें रेड कोमोडो 6K के भी था और बाद में एक लाल भी रैप्टर कैमरा लाया गया था। बात की जाए दोस्तों फिल्म बेस्ट को, तो यह फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता विजय सर और अभिनेत्री पूजा हेगड़े की जोड़ी को दर्शकों काफी पसंद कर रहे थे। यह एक भारतीय अभिनेता है जो दोस्तों तमिल भाषा की सुपरहिट फिल्मों में काम किए हैं, जो दोस्तों इनकी विजय के नाम से जाना जाता है। 10 साल की उम्र में विजय ने 1984 में PS वीरप्पा द्वारा निर्मित तमिल फिल्म वेट्री में एक बार बाल कलाकार के रूप में अपनी शुरुआत की थी। विजय ने पहली बार 1992 में नलैया थिरुप्पु में मुख्य भूमिका निभाई और इसके बाद विजय की सेथूर पंडी रसिंगन देवा और कोयम्बंटूर मपिलाई फिल्मों में दिखाई दिए थे, जिनमें से कुछ सफल रही। 1996 में विजय ने विक्रमन द्वारा निर्देशित पूर्वे और उन्नकांगा में अभिनय किया, जिससे उनके अनुसार उन्होंने
शुरुआती ब्रेक और लोकप्रियता मिली थी। 1997 में विजय ने काल मेलम, कार्थी रूपेना और लव टुडे में अभिनय किया था। बाद में उन्होंने नेरुकु, नेर कथालुकु, मारी मारिया धाई और निन्ने थे, बधई, प्रियमुदन और थुल्लधम, मन्नामुम, मुल्लम जैसी व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में अभिनय किया है। 1999 में उन्होंने एट्रेंडम कद्दल और नेनिंजाइनल और मनिंसरा कन्ना फिल्मों में अभिनय किया है। 2020 में उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल रोमांटिक फिल्मों खुशी और प्रियामानम वाले के साथ समीक्षकों द्वारा सफल कन्नूकुक्कुल और नीलावू में अभिनय किया, जो उनकी 25वीं फिल्म थी। 2001 में उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर हैट्रिक सफलताओं वाली फिल्में दी दोस्तों। 2002 में प्रियंका चोपड़ा के साथ एक्शन फिल्म थमिजान में अभिनय करने से पहले बद्री और शाहजहां, बाद में वह उसी वर्ष रोमांटिक फिल्म युद्ध और एक्शन फिल्म बागवती में दिखाई दिए थे। विजय ने 2003 की शुरुआत वसीगरा और पुद्या गीता इसे की थी। 2003 में दोस्तों एक्शन रोमांस फिल्म थिरुमलाई के बाद विजय ने त्रिशा और प्रकाश राज के साथ एस धारानी द्वारा निर्देशित गिल्ली में अभिनय किया था। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही थी। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 500 मिलियन से अधिक की कमाई की थी। तमिल फिल्म बन गई और इसे रिलीज के पहले सप्ताह के भीतर सबसे अधिक लोगों द्वारा फिल्म देखने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था। दोस्तों बात की जाए, यह फिल्म पहले एमजी के पास था और रामचंद्र की आदिमाई पेन 1969 के इसके बाद 1969 के बाद उन्होंने 2005 में मुधेरे और थिरुपाची में अभिनय किया था। बाद में दोस्तों उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में सचिन, शिवकाशी और पोक्किरी में अभिनय किया। पोक्किरी उस समय की उनके कैरियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई थी। 2007 के अंत में विजय ने रोमांटिक थ्रिलर फिल्म अजग्या तमिल मगन में अभिनय किया था, जहां उन्होंने नायक और प्रतिपक्षी की दोहरी भूमिका निभाई। यह फिल्म भारत के बाहर व्यावसायिक रूप से सफल रही थी। व्यावसायिक रूप से सफल 2008 की कुरुवी और 2009 के वेटाईकरण को छोड़कर उनकी बाद की रिलीज अजग्या तमिल मगन और बिल्लू घरेलू बॉक्स ऑफिस पर औसत सफल रही थी, जबकि विदेशों में और अधिक सफल रही। हाल ही में रिलीज हुई फिल्मों की मध्यम सफलता के बावजूद विजय सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक बन गए हैं। 2010 में दोस्तों उन्होंने एक्शन कॉमेडी फिल्म सुर्रा में अभिनय किया था, जो एक कम अभिनेता के रूप में उनकी 50वीं फिल्म थी। और 2011 की शुरुआत में विजय ने सिद्दीकी द्वारा निर्देशित रोमांटिक कॉमेडी कौलन में अभिनय किया था, जिसे सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 1.2 करोड़ का कलेक्शन हुआ था। यह फिल्म चीन में शंघाई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रदर्शित की गई थी। कौलन चीन में व्यावसायिक रूप से सफल रही और उनकी अगली फिल्म
एम राजा द्वारा निर्देशित एक्शन फिल्म वेलाई युद्धम थी, जो दिवाली के दौरान रिलीज हुई और 2011 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई है। दोस्तों बात की जाए सुपरस्टार अभिनेत्री पूजा हेगड़े, यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो दोस्तों फिल्म सुपरस्टार अभिनेता विजय सर के साथ में बनी फिल्म विष्ट मूवी में काम की है। यह अभिनेत्री मुख्य रूप से तेलुगु, हिंदी और तमिल भाषा की फिल्मों में दिखाई देती है। उन्होंने अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत एक से बढ़कर एक फिल्मों से की है और हेगड़े ने 2018 में पूजा हेगड़े ने तीन तेलुगु फिल्मों में अभिनय किया था। पहली पीरियड एक्शन रंगस्थलम के गीत और जिग्गेलू रानी में एक विशेष उपस्थिति है। के बारे में जानकारी देने वाले हैं। और दोस्तों साथ ही साथ आपको बता दें कि हमारे चैनल पे दोस्तों मात्रा मूवी रिव्यू, न्यू अपकमिंग मूवी की इंफॉर्मेशन के साथ साथ मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानकारी दी जाती है। दोस्तों आप न्यू अपकमिंग मूवी के बारे में जानना चाहते हैं तो दोस्तों हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों चलो इसी के साथ वीडियो को लेकर आगे बढ़ते हैं। तब तक दोस्तों आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिल्म विष्ट 2022 की तमिल भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो नेल्सन दिलीप कुमार द्वारा लिखित और निर्देशित है और दोस्तों सॉन पिक्चर्स द्वारा निर्मित है। फिल्म में विजय के साथ पूजा हेगड़े अभिनेत्री दिखाई देने वाली है। सन पिक्चर्स ने जनवरी 2020 में विजय की 65वीं फिल्म के निर्माण अधिकार हासिल कर लिए थे। शुरुआत में इसे निर्देशक करने के लिए ए आर मुरुगुद्रास को साइन किया था। हालांकि अपने परिश्रमिक में कटौती करने से इनकार करने के बाद उन्होंने फिल्म से बाहर कर दिया था। बाद में दिसंबर 2020 में अस्थायी शीर्षक थलापति 65 के तहत घोषणा के साथ नेल्सन को बोर्ड पर लाया गया था और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा जून 2021 में की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2021 में शुरू हुई और इसे चेन्नई, दिल्ली के फिल्मांकन स्थानों के साथ कई चरणों में छिटपुट रूप से शूट किया गया था। और फ्रेंड जॉर्जिया और दिसंबर 2021 के माध्यम तक पूरी हो जाएगी। फिल्म में संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र ने दिया है, छायाकान मनोज परमहंस ने संभाला है और दोस्तों संपादन आर निर्मल ने किया है। फिल्म विष्ट को आलोचकों से मिली जुली समीक्षा के साथ 13 अप्रैल 2022 को सिनेमा घर में रिलीज किया गया था। इसके बावजूद फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, दुनिया भर में 217 से लेकर 300 करोड़ की कमाई की और अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली तमिल फिल्मों में से एक बन गई है। अगले वर्ष एक सीक्वल की घोषणा की गई थी। डायरेक्टर नेल्सन की डायरेक्टर में बनी फिल्म वेस्ट, जो दोस्तों यह तमिल भाषा की मूवी है जिसे 13 अप्रैल 2022 को रिलीज किया गया था। दोस्तों बात की जाए फिल्म के सुपरस्टार अभिनेता विजय, जो कि दोस्तों वीरा राघव के रूप में एक पूर्व राफील्ड ऑपरेटिव के रूप में दिखाई दिए हैं, जबकि पूजा हेगड़े प्रीति के रूप में वीरा की प्रेमिका और रामचंद्र की पूर्व मंगेतर आवाज अंजना द्वारा डब की गई है। अल्ताफ हुसैन वीरा के पूर्व सहयोगी और उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में सेल्वाराघवन साजिथ्रम गृह मंत्री के रूप में हैं। डोमिनिक और इरुधरास के रूप में वीटीवी गणेश वीरा और प्रीति केवास और सुरक्षा कंपनी डोमिनिक एंड सोल्जर्स के अध्यक्ष हैं। उमर कैफ के रूप में अंकुर विकल मल हाईजैक समूह का नेता है और उमर फारूक का भाई है। वही दोस्तों आपको बतला दें फिल्म की
जनवरी 2020 में मास्टर 2021 के निर्माण के दौरान विजय ने कथित तौर पर कलानिधि मारन की सन पिक्चर्स द्वारा समर्थित अपनी अगली परियोजना के लिए हस्ताक्षर किए थे, जिसमें वेटाईकरण 2009, सुरा 2010 और सरकार 2018 के बाद उनके साथ सहयोग किया था। जबकि दोस्तों मगेज थिरुमेनी, एस शंकर, सुधा कोंगरा, पंडिराज आर, अजय ज्ञानमुथु और त्रिवेणी माकम को शुरू में फिल्म का निर्देशन करने की सूचना मिली थी। मार्च में 2020 में एक सूत्र ने दावा किया था कि एआर मुरुगुद्रास ने विजय को अस्थायी रूप से थलापति 65 की मुख्य अभिनेता के रूप में विजय की 65वीं फिल्म है शीर्षक से निर्देशित करने की योजना बनाई थी। इसी परियोजना के अप्रैल 2020 के अंत तक उत्पादन में प्रवेश करने की सूचना मिली थी, जो नहीं हुआ। एस थमन को मई 2020 में संगीत तैयार करने के लिए अंतिम रूप दिया गया था, जो विजय के साथ उनका पहला सहयोग होगा। अगस्त 2020 में तमन्ना को सूर्या के 10 साल बाद विजय के साथ काम करने के लिए मुख्य अभिनेत्री बनने के लिए संपर्क किया गया था। बताया गया कि स्क्रिप्ट में विजय दोहरी भूमिकाओं में थे। मुरुगुद्रास ने अगस्त 2020 की शुरुआत में विजय को अंतिम स्क्रिप्ट सुनाई और उनकी मंजूरी के बाद टीम ने अगस्त 2020 के माध्यम में बताया कि थलापति 65 जल्द ही उत्पादन में प्रवेश करेगा। गणेश चतुर्थी के अवसर पर एक आधिकारिक घोषणा के साथ 22 अगस्त 2020 को नहीं हुआ था। एक साक्षात्कार में मुरुगुद्रास ने कहा कि स्क्रिप्ट उनकी पिछली किसी भी फिल्म की अगली कड़ी नहीं थी, बल्कि एक मूल कहानी थी। टीम ने स्टंट कोरियोग्राफर जोड़ी अनबरियो बोर्ड पर लाया गया, जिसने विजय के साथ उनका पहला सहयोग चिहित किया है। और पाठकथा लेखक आर सेल्लवराज भी अगस्त 2020 में इसी परियोजना में शामिल हुए थे। मनोज परमहंस को सिनेमेटोग्राफर के रूप में घोषित किया गया था और सितंबर 2020 में शुरुआत में कहा गया कि विजय को परियोजना के लिए परिश्रमिक के रूप में 100 करोड़ मिलेंगे, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण वित्तीय बदलाव के कारण उन्होंने अपने वेतन से 30% माफ करने का फैसला किया था। इसी प्रकार उन्होंने परिश्रमिक के रूप में 70 करोड़ मिले और मारन ने अपने पिछले निर्देशक दरबार 2020 की विफलता के बाद मुरुगुद्रास से अपना वेतन कम करने का आग्रह किया था, लेकिन जैसे ही मुरुगुद्रास ने उनकी मांगों को अविष्कार कर दिया, सन पिक्चर्स ने उन्होंने अक्टूबर 2020 में परियोजना से बाहर कर दिया था। निर्माताओं ने बाद में परियोजना को निर्देशित करने के लिए एस जे सूर्या, नेल्सन दिलीप कुमार या मागेज थिरुमणि को बोर्ड पर लाने की योजना बनाई थी। मास्टर में विजय के साथ काम करने वाले संगीतकार अनिरुद्ध ने नेल्सन पर फिल्म का निर्देशक करने का आग्रह किया था। वहीं दोस्तों नेल्सन ने डॉक्टर के पोस्ट प्रोडक्शन कार्यों के साथ साथ फिल्म की मसौदा तैयार किया जाना था और यह अवधि के दौरान उन्होंने एक परियोजना में के माध्यम से रूप से कुछ तस्वीरें साझा की। बताया गया कि विजय को एक तीव्र और विनोदी किरदार निभाना था, जबकि फिल्म को स्थायी शीर्षक थलापति 65 के तहत लॉन्च किया गया था। फिल्म का शीर्षक विष्ट 21 जून 2021 को घोषित किया गया था। विजय के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर
नवंबर 2021 में पत्रिका आनंद विज्ञान द्वारा नवंबर में प्रकाशित एक दिवाली संस्करण में मुख्य साजिश का खुलासा हुआ था। एक शॉपिंग मॉल में एक आक्रमण हो रहा था जहां आतंकवादियों ने खरीदारों के एक समूह को बंधक बना लिया था और नायक उन्हें कैसे बचाता है। अधिकांश कार्यक्रम मॉल में होते हैं, मुख्य रूप से एक्शन शैली में होने के बावजूद फिल्म में ब्लैक कॉमेडी और समकालिक हास्य पात्रों के तत्व भी शामिल हैं, जो आमतौर पर निर्देशक की फिल्मों में देखे जाते हैं। नेल्सन ने फिल्म पर पोक्किरी 2007 के प्रभाव को स्वीकार करते हुए बिष्ट को 60% एक्शन और 40% हास्य के रूप में वर्णित किया था। मार्च 2021 में वीटीवी कॉनेस और कॉबिन को लंच इवेंट में उपस्थिति होने के बाद कलाकारों का हिस्सा घोषित कर दिया था। केविन ने कलाकारों का हिस्सा होने से इनकार किया, लेकिन 3 महीने बाद कहा कि वह एक सहायक निर्देशक के रूप में काम कर रहे थे। मलयालम अभिनेत्री अपर्णा दास ने अप्रैल में इस परियोजना में अपनी उपस्थिति की पुष्टि की और मई 2021 में मलयालम अभिनेता साइन टॉम चाको को तमिल में अपनी शुरुआत करते हुए फिल्म में एक प्रमुख भूमिका के लिए संपर्क किया गया था। फिल्म की फिल्माने थलापति 65 के लिए इसी प्रशिक्षण शूट 10 फरवरी 2021 को चेन्नई में सन टीवी नेटवर्क के कार्यालय में आयोजित किया गया था। 31 मार्च 2021 को फिल्म को सन टीवी स्टूडियोज में लॉन्च किया गया था एक औपचारिक पूजा समारोह के साथ। हालांकि पूजा हेगड़े ने अपने व्यस्त कार्यक्रम के दौरान लंच के समय उपस्थिति नहीं थे। 2021 में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद विजय और नेल्सन 7 अप्रैल 2021 को फिल्म की शूटिंग शेड्यूल के लिए जॉर्जिया गए थे। सन पिक्चर्स ने एक पोस्टर जारी किया 9 अप्रैल को शूटिंग स्थान यह खुलासा करते हुए कि फिल्म ने निर्माताओं में प्रवेश किया था। महामारी की दूसरी लहर के कारण प्रतिबंधताओं के कारण टीम ने फिल्म की 30% शूटिंग जॉर्जिया और बाकी की शूटिंग चेन्नई में की गई थी। जॉर्जिया में 15 दिनों तक फिल्मांकन करने के बाद विजय 26 अप्रैल को चेन्नई लौट आए थे, जहां दोस्तों एक परिचयात्मक गीत और कुछ एक्शन दृश्य की शूटिंग की गई थी। दूसरे शेड्यूल के लिए चेन्नई में ईवीपी फिल्म्स सिटी में एक विशाल शॉपिंग मॉल के दोहराया गया, क्योंकि दोस्तों तमिलनाडु में कोविड-19 महामारी प्रतिबंधताओं के कारण मॉल बंद थे। नेल्सन ने पहले शूटिंग के लिए दिल्ली में मॉल की तलाश की थी, लेकिन दोस्तों भीड़ नियंत्रण में आने वाली कठिनाइयों के कारण अंत उन्होंने ऐसा करना बंद कर दिया था। हालांकि दोस्तों विजय ने टीम से तमिलनाडु में कोविड-19 मामले की वृद्धि और राज्यव्यापी लॉकडाउन के कारण उत्पादन निलंबित करने के लिए कहा था। फिल्म के गाने की शूटिंग मई 2021 में 21 के माध्यम में उन्होंने होने वाली थी, लेकिन दोस्तों पूजा हेगड़े को COT यानी कोविड-19 का पता चलने के बाद इसे भी रोक दिया था। फिल्म की फिल्मांकन जुलाई 2021 में फिर से शुरू हुआ। दूसरा शेड्यूल 20 दिनों तक चला था। स्टॉप
रोड पर एक दृश्य फिल्माया गया था जहां वाली माई की शूटिंग की जा रही थी। और दोस्तों उस स्थान पर एक विशाल सेट का निर्माण किया गया था। रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया कि फिल्म की शूटिंग इंटर कार्टिनेटन चेन्नई और महाबलीपुरम रिचार्जर में आगे बढ़ी थी। प्रमुख दृश्य को फिल्माने के लिए टीम गोकुलम स्टूडियो चली गई। फिल्म का तीसरा शेड्यूल 2 अगस्त 2021 को चेन्नई में शुरू हुई और 3 सप्ताह से अधिक तक समय बिताया गया था। पूरा शेड्यूल 23 अगस्त 2021 को पूरा हुआ था और चौथे के हिस्से के रूप में दिल्ली में कुछ दृश्य को शूट करने की योजना बनाने से पहले टीम ने 1 सितंबर 2021 को गोकुलम स्टूडियो में अवर्ती दृश्य की शूटिंग जारी रखी थी। अनुसूचित शेड्यूल के दौरान विजय और हेगड़े पर फिल्माया गया एक गीत अनुक्रम जिसे जानी मास्टर द्वारा कोरियोग्राफर किया गया था शूट किया गया था। और चौथा शेड्यूल 20 सितंबर को दिल्ली में शुरू हुआ। इस शेड्यूल में अनव रेव द्वारा कोरियोग्राफर किया गया है। एक एक्शन सीक्वेंस 5 से 7 दिनों तक शूट किया गया था। अगला शेड्यूल 28 सितंबर के बाद चेन्नई में शुरू हुआ था। अक्टूबर के अंत तक कथित तौर पर 70% से अधिक की फिल्मांकन पूरा हो चुका था और फिल्म दिसंबर के अंत तक पूरा होने वाली थी। क्लाइमैक्स एक्शन दृश्य के लिए टीम ने फिल्म को रूस में शूट करने की योजना बनाई जिसे बाद में छोड़ दिया गया था। इसके बजाय टीम ने विजय के चरित्र के युवा संस्करण से जुड़े एक दृश्य को शूट करने के लिए अंतिम शेड्यूल के लिए फिर से जॉर्जिया जाने का फैसला किया था। रिपोर्टर्स के मुताबिक टीम इसी शेड्यूल में कश्मीर को रिक्रिएटर करेगी और सेना आधारित सीन शूट करेगी। मनोज परमहंस ने जॉर्जिया में शूटिंग के लिए एक नया टिल्टा मैक्स रिंग खरीदा था जिसमें रेड कोमोडो 6 के भी था और बाद में एक लाल भी रैप्टर कैमरा लाया गया था। बात की जाए दोस्तों फिल्म बिस्ट को तो यह फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता विजय सर और अभिनेत्री पूजा हेगड़े की जोड़ी को दर्शकों काफी पसंद कर रहे थे। यह एक भारतीय अभिनेता है जो दोस्तों तमिल भाषा की सुपरहिट फिल्मों में काम किए हैं जो दोस्तों इनकी विजय के नाम से जाना जाता है। 10 साल की उम्र में विजय ने 1984 में PS वीरप्पा द्वारा निर्मित तमिल फिल्म वेट्री में एक बार बाल कलाकार के रूप में अपनी शुरुआत की थी। विजय ने पहली बार 1992 में नलैया थिरुप्पु में मुख्य भूमिका निभाई और इसके बाद विजय की सेथुर पंडी रसिंगन देवा और कोयम्बंटूर मप्पिलाई फिल्मों में दिखाई दिए थे जिनमें से कुछ सफल रही। 1996 में विजय ने विक्रमन द्वारा निर्देशित पूर्वे और उन्नाकांगा में अभिनय किया जिससे उनके अनुसार उन्होंने शुरुआती ब्रेक और लोकप्रियता मिली थी। 1997 में विजय ने कालमेलम कार्थी रूपेना और लव टुडे में अभिनय किया था। बाद में उन्होंने नेरुकु नेर कथालुकु मारी मारिया धाई और निन्ने थे बधई प्रियमुदन और थुल्लधाम मन्नामुम
मल्लम जैसी व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में अभिनय किया है। 1999 में उन्होंने एट्रेंडम कद्दल और नेनिंजाइनल और मनिंसरा कन्ना फिल्मों में अभिनय किया है। 2020 में उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल रोमांटिक फिल्मों खुशी और प्रिया मानम वाले के साथ समीक्षकों द्वारा सफल कन्नूकुक्कुल और नीलावू में अभिनय किया, जो उनकी 25वीं फिल्म थी। 2001 में उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर हैट्रिक सफलताओं वाली फिल्में दी दोस्तों। 2002 में प्रियंका चोपड़ा के साथ एक्शन फिल्म थमिजान में अभिनय करने से पहले बद्री और शाहजहां, बाद में वह उसी वर्ष रोमांटिक फिल्म युद्ध और एक्शन फिल्म भगवती में दिखाई दिए थे। विजय ने 2003 की शुरुआत वसीगरा और पुद्या गीता इसे की थी। 2003 में दोस्तों एक्शन रोमांस फिल्म थिरुमलाई के बाद विजय ने त्रिशा और प्रकाश राज के साथ एस धारानी द्वारा निर्देशित गिल्ली में अभिनय किया था। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही थी। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 500 मिलियन से अधिक की कमाई की थी। तमिल फिल्म बन गई और इसे रिलीज के पहले सप्ताह के भीतर सबसे अधिक लोगों द्वारा फिल्म देखने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था। दोस्तों बात की जाए, यह फिल्म पहले एमजी के पास था और रामचंद्र की आदिमाई पेन 1969 के इसके बाद 1969 के बाद उन्होंने 2005 में मुधेरे और थिरुपाची में अभिनय किया था। बाद में दोस्तों उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में सचिन शिवकाशी और पोक्किरी में अभिनय किया। पोक्किरी उस समय की उनके कैरियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई थी। 2007 के अंत में विजय ने रोमांटिक थ्रिलर फिल्म अजग्या तमिल मगन में अभिनय किया था, जहां उन्होंने नायक और प्रतिपक्षी की दोहरी भूमिका निभाई। यह फिल्म भारत के बाहर व्यावसायिक रूप से सफल रही थी। व्यावसायिक रूप से सफल 2008 की कुरुवी और 2009 के वेटाईकरण को छोड़कर उनकी बाद की रिलीज अजग्या तमिल मगन और विल्लू घरेलू बॉक्स ऑफिस पर औसत सफल रही थी, जबकि विदेशों में और अधिक सफल रही। हाल ही में रिलीज हुई फिल्मों की मध्यम सफलता के बावजूद विजय सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक बन गए हैं। 2010 में दोस्तों उन्होंने एक्शन कॉमेडी फिल्म सुर्रा में अभिनय किया था, जो एक कम अभिनेता के रूप में उनकी 50वीं फिल्म थी। और 2011 की शुरुआत में विजय ने सिद्दीकी द्वारा निर्देशित रोमांटिक कॉमेडी कौलन में अभिनय किया था, जिसे सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 1.2 करोड़ का कलेक्शन हुआ था। यह फिल्म चीन में शंघाई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रदर्शित की गई थी। कौलन चीन में व्यावसायिक रूप से सफल रही और उनकी अगली फिल्म एम राजा द्वारा निर्देशित एक्शन फिल्म वेलाई युद्धम थी, जो दिवाली के दौरान रिलीज हुई और 2011 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई है। दोस्तों बात की जाए सुपरस्टार अभिनेत्री पूजा हेगड़े। यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो दोस्तों फिल्म सुपरस्टार अभिनेता विजय सर के साथ में बनी फिल्म विस्ट मूवी में काम की है।
यह अभिनेत्री मुख्य रूप से तेलुगु, हिंदी और तमिल भाषा की फिल्मों में दिखाई देती है। उन्होंने अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत एक से बढ़कर एक फिल्मों से की है और हेगड़े ने 2018 में पूजा हेगड़े ने 3 तेलुगु फिल्मों में अभिनय किया था। पहली पीरियड एक्शन रंगस्थलम के गीत और जिग्गेलू रानी में एक विशेष उपस्थिति है।